अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सारे? अरे अच्छा, मैं देख रहा था कि आप लोग पहले से आए हुए हैं और काफी आए हुए हैं। 19 वेटिंग लिखा हुआ आया था तो मैंने कहा चलो थोड़ा तो सा वक्त से एक आध मिनट पहले भी आ जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने कहा शुरू करें फिर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू शबाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, मैं बेसिकली मैं करूंगा ये, मैंने जो सोचा हुआ है वो ये करूंगा कि मैं उर्दू में, आप लोग जिस तरीके से पिछले स्ट्रीम में कह रहे थे कि उर्दू में करें, तो उसी तरीके से फिर मैं इंशाल्लाह मैं कि आता रहूंगा, मैं उर्दू में करता रहूंगा। मैं इंग्लिश में भी करूंगा कुछ चीजें और उर्दू में भी करूंगा, क्योंकि बेसिकली मैं ये चाह रहा हूं कि एक ऑडियंस है जो कि अफ्रीका की भी ऑडियंस है, तो उनके लिए कम से कम, वो तो उर्दू नहीं समझते आपके, हमारे जुबान वाले तो चले जी, आप हमसाए ममालिक समझ जाते हैं उर्दू, मगर अफ्रीका वाले नहीं समझते। तो एक ग्रुप है मेरा, एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हूं मैं, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैं बेसिकली जब भी मैं कभी शेयर करता हूँ तो अक्सर वो मुझसे कहते हैं कि यार इंग्लिश में क्यों नहीं, यार इंग्लिश में क्यों नहीं कर रहे आप शेयर कर रहे हैं। मतलब कि ठीक है वो, क्योंकि वो नहीं समझते, मगर इंग्लिश में भी करूंगा उर्दू में भी करूंगा, और कोई ऐसी चीज करूंगा जो जिसमें आप कोई नई चीज सीखें, ठीक है। और अब इसका कोई ना कोई चीज सोचना पड़ेगा एकदम से, तो भी बैठे बैठे सोचा है कि हमने कि आगे का करना है, और कोई ना कोई मैकेनिज्म बना लेंगे, कोई ना कोई मैकेनिज्म बना लेंगे। और बड़े इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, मैंने जिनसे सीखा क्वालिटी, और जो सिक्स सिग्मा सबसे पहली दफा जिससे सीखा, उनकी भी जिंदगी में ये ख्वाहिश थी कि ये किसी तरीके से उर्दू में हो जाए ट्रांसलेट। बल्कि वो एक आधा किताब भी उन्होंने लिखना शुरू किया, उन्होंने लिखा हुआ था, वो ट्रांसलेटर नहीं मिल रहा था उनको। मैं तो जाहिर बात है, वो उन्होंने किताब छापी अपनी, तो मैं ये सोच रहा था कि लाइव तरीके से कर लेंगे, थोड़ी सी इंग्लिश भी हो जाएगी थोड़ी सी उर्दू भी हो जाएगी, और देख लेते हैं, करके देख लेते हैं लोग समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते। अगर लोग समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अब हम ये देखते हैं, हम देखते ये हैं कि हमने अभी तक सीखा क्या है। अच्छा, स्टूडेंट जो है वो कह रहा है कि सर वेटिंग फॉर ग्रीन बेल्ट कोर्स नॉट सर्टिफिकेट आफ्टर येलो बैग, देख लेंगे। मैं मुझे तो सोचने का मौका दे दें, मुझे तो स्टूडेंट आप मुझे सोचने का मौका दे दें, और मैं देखता हूं कि अगर ग्रीन बेल्ट कभी मैं इस तरीके से करूं कि ना करूं। क्योंकि देखिए बात यह है कि मेरी एक जो रेगुलर अर्निंग है और जो मैं करता हूं एक यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, वो लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट है। तो अगर मैंने ग्रीन बेल्ट यूट्यूब पे डाल दिया तो वो चीज़ तो उस चीज़ का फिर इफेक्ट होगा ना जो मेरा एक है, मगर देखूंगा, मैं देखता हूँ किस तरीके से करता हूँ, कोई ना कोई मैकेनिज्म जरूर करेंगे, खास तौर पे अगर लोग सीखना चाहते हैं। उर्दू में तो किया जा सकता है, हाँ उर्दू में तो किया जा सकता है, इसमें कोई ऐसी मुझे कुछ रोकेगा नहीं कोई ये उर्दू में करने से, क्योंकि उर्दू के साथ तो नहीं करता उनके साथ, वो तो है ही अंग्रेजी में। खैर, या ये किया जा सकता है कि आपको AIT ले जाएं, चलिए देख लेते हैं। अच्छा अब शुरू ये है करना चाह रहा हूं, शुरू मैं इस बात से करता हूं, शुरू मैं इस बात से करता हूं कि हमने अभी तक सीखा क्या। हमने सबसे पहले सीखा समझा कि लीन सिक्स सिग्मा होता क्या है। लीन सिक्स सिग्मा में हमने सबसे पहले ये सीखा, हाँ देखिए मैं वाकई, आप लोग काफी उर्दू में करना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे आगे चलने से पहले मुझे सिर्फ एक बात कर दें, ग्रीन बेल्ट
लेवल की उर्दू में कितने लोग करना चाहेंगे? मुझे यस कह दें तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोग वाकई ग्रीन बेल्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि लग रहा है मुझे कि ग्रीन बेल्ट भी करना चाह रहे हैं। वो यस लिख सकते हैं आप लोग? एक दो मी, ठीक है, तीन चार, पांच, यानी 35 में से पांच लोग जो हैं वो छह, एक दो तीन चार पांच छह, यानी काफी हो गए हैं। चले फिर मुझे सोचने दे, और कल तक सोचता हूँ मैं, शाम के साथ भी डिस्कस करता हूँ और देखते हैं फिर उसके ऊपर कुछ करते हैं। अगर अगर बात अगर लोग सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल 100 बिस्मिल्ला, बल्कि मेरी तो जिंदगी का एक मकसद ये भी है। और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोफेशनल एशिया। वो जो रॉन लीमन की बात की थी ना, हाईवे ऑफ चेंज वाला, जिसका मैंने वो भी शेयर किया था, वो उनका है जो मैनिफेस्टो है, उनमें से एक ये चीज है कि जो अलूम है उसको हम इलाके से इलाके के मुताबिक बना दें। ठीक है, चेंज मैनेजमेंट जो है वो वेस्ट में डिफरेंट होती है, यहाँ पे थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। हमारे लोगों के मुख्तलिफ किस्म के जरूरियात हैं, दूसरों के मेरे जो वो है, क्या कहते हैं, वो जो टेंज है लोकल, वो बहुत जरूरी है। बल्कि मैं तो यहां तक भी मैंने देखा है कि उर्दू भी होना चाहिए अपने। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो अंग्रेजी नहीं समझते, और हम खामखा अंग्रेजी को एक बैरियर बना देते हैं। मुझे इस चीज का ज्यादा एहसास इस तरफ हुआ कि मैंने एक बंदे को ट्रेन किया था थाईलैंड में, और उसने कहा था जी आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग करा लें। मैंने कहा जी करा लेंगे। फिर उसने कहा था बात यह है कि इस लेवल के जो हमारे एम्प्लॉयज हैं ना, उनको अंग्रेजी नहीं आती, तो आप थाई में करा दें। तो अब मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक ही तरीके से थाई में करा सकता हूँ मैं, और वो थाई में एक ही तरीके से करा सकता हूँ। मैंने कहा यार मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, तुम उर्दू में बोल, तुम थाई में बोल लेना। बल्कि मेरे पास एक मेरी डिस्कशन हुई हुई है, मेरी जो एक स्टूडेंट है उसने पीएचडी किया हुआ है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, वो डॉक्टर शिवा पवन का जो आप देखते हैं, उसका भी एक मकसद ये है कि वो मेरे साथ बैठ के एक किताब लिखे। अब तो मैंने अपना खुद ही बना लिए। खैर, लीन सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट की जो ट्रेनिंग होती है वो लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट का एक सबसेट होता है। तो आप लोगों ने अगर वाकई ग्रीन बेल्ट अगर जाएंगे तो आपने उसका एक सबसेट तो कर लिया है। तो फिर हम ये कर लेंगे, हम इस तरीके से शायद कर लें कि हम एक प्री रिक्विजिट रख लेंगे, या हम इस तरीके से कह देते हैं कि एक येलो बेल्ट हो जाएगा, उसके बाद ग्रीन बेल्ट जो है ना वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, उसमें रेपुटेशन जो होगी वो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, क्योंकि ग्रीन बेल्ट एक सबसेट होता है उसका, येलो बेल्ट एक सबसेट होता है ग्रीन बेल्ट का। वैसे जितना लग रहा है, लगता है कि मुझे ग्रीन बेल्ट, और मेरी वैसे एक डिस्कशन हुई थी, मेरी एक डिस्कशन हुई थी जिन्होंने मुझे सबसे पहले सिखाया था कि क्या, अच्छा वी वॉन्ट अ वीक टाइम टू रिवाइज येलो बेल्ट देन ग्रीन बेल्ट। अच्छा चलें इस तरह कर देख लेते हैं, देख लेते हैं। निसार भाई आपको तो मैंने ब्लैक बेल्ट कराना है जिंदगी में, इनशाला आपको तो इनशाला मैंने कराना ही कराना है, चाहे मुझे 1-to-1 कराना पड़ जाए। ये भी मेरा है, क्योंकि आप कि जितना आप हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, इतना आपका हक बनता है। अच्छा चलें, मुझे बेसिकली अब एक समझ नहीं आ रहा कि इतने मेरा नहीं ख्याल था कि इतने लोग होंगे जो कि वाकई ग्रीन बेल्ट तक जाना चाहेंगे, और वाकई अगर इतने हैं तो ये ग्रीन बेल्ट का कोर्स होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर ऑडियंस चाहती है कि ग्रीन बेल्ट का कोर्स हो जाए तो ग्रीन बेल्ट का कोर्स भी कर लेंगे, उर्दू में कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। और एक फेसबुक का एक ग्रुप बन गया हुआ है हमारा, जिसका नाम है लर्न
एक मिनट, मैं लर्न लीन सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट विद मोहम्मद अली तूसी। जो जो उसको ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन जरूर करे। उसमें इस वक्त हमारे पास कितने हैं, हमारे पास इस वक्त मेरे ख्याल से 45 के करीब हैं मेंबर्स। फिफ्टी फाइव मेंबर्स हैं उसमें। तो सबसे रिक्वेस्ट है जो के जो भी करना चाहता है तो वो उसको ज्वाइन करें, ताकि वहां पे आप मुझसे ओपनली इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब काफी ज्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं, मच मोर देन व्हाट जो आप यहाँ पे इंटरेक्ट कर पाते हैं। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि मेरे जिन्होंने मुझे सिखाया था वो भी चाहते थे कि वो उर्दू में कराएं। फिर वो मुझे कहते थे कि शायद ये चीज इतनी काफी मुश्किल है, और ये लिंक किस चीज का लिंक चाहिए आपको, ग्रुप का लिंक। एक ग्रुप का लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ, मुझे उसमें जाके शेयर करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मेरे कमेंट्स वो शायद नहीं लेता। ये फेसबुक के ग्रुप का लिंक है। स्लाइड्स मैंने पिछले आपको उसमें लिंक में दिया हुआ है। आपको मैंने वो दिया हुआ है, गूगल डॉक्स का। स्लाइड्स का भी चाहिए आपको? ओह, ड्रॉप बॉक्स, गूगल डॉक्स में तो करना ही था मैंने। एक मिनट, मुझे एक मिनट दे दें, मैं आपको अभी देता हूं। लीन सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट। एक मिनट, कोई लिंक दे सकता है इसका? ओहो, मेरे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको स्लाइड चाहिए थी? ये जी, ड्रॉप बॉक्स आ गया। खैर, मैंने इसको कमेंट्स में डाल दिए, मैंने इसको कमेंट्स में डाल दिए, और अगर आप कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूं, मैं डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का भी है और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया इसके ड्रॉप बॉक्स में। अच्छा, कोई एरर आ गया है? फिलहाल डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं डालता, कोई एरर आ गया उसमें डिस्क्रिप्शन में, इससे पहले कि वो भी खराब हो जाए। ड्रॉप बॉक्स में आपको कासिम, आपको ड्रॉप बॉक्स में, ड्रॉप बॉक्स का एक कमेंट आ गया उसके ऊपर। चलें, खैर हम शुरू करते हैं। हमने ये सीखा,
हमने ये सीखा कि लीन सिक्स सिग्मा होता क्या है। लीन सिक्स सिग्मा हमने जो बेसिक चीज सीखी, हमने ये सीखी कि वैल्यू कस्टमर डिफाइन करता है, ठीक है, काम तेज होना चाहिए, वैल्यू कस्टमर डिफाइन करता है। फिर हमने ये सीखा कि चलें, थैंक यू। अच्छा, फिर हमने ये सीखा कि कस्टमर फोकस होना चाहिए, कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में सोचा हमने, क्रिटिकल टू क्वालिटी का कॉन्सेप्ट देखा हमने। हमने उसके बाद देखा कि डिफाइन, किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए जो तरीका है वो हमने एक लीन सिक्स सिग्मा का डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल है। हमने ये भी सीखा कि तमीज बहुत लाजमी चीज है, रिस्पेक्ट फॉर पीपल बहुत क्रूशल है। हमने ये भी सीखा कि चेंज मैनेजमेंट का एक प्रोसेस बहुत लाजमी है और समझने की जरूरत है, और स्टेक होल्डर्स के साथ कैसे डील करना है हमने वो भी देखा। Could I appear in Lean Six Sigma certification from Pakistan as an external candidate? Basit, मुझे अब्दुल वासित, मुझे समझ नहीं है आपका सवाल, सवाल का मतलब उसमें external candidate की क्या बात है। जब online है तो जो भी होगा, जो भी exam देना चाहेगा वो exam दे सकेगा। वो तो आप मेरी तरफ से अंटार्कटिका में बैठे हो, मेरी तरफ से आप पाकिस्तान में बैठे हो, मेरी तरफ से आप इंडिया में बैठे हो, मेरी तरफ से आप अफगानिस्तान में बैठे हो, बांग्लादेश में बैठे हो। क्रिटिकल टू क्वालिटी इज, क्रिटिकल टू क्वालिटी को बताऊं, क्रिटिकल टू क्वालिटी एक ऐसी चीज होती है जो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस करती है कस्टमर के एक्सपीरियंस को, उसको हम क्रिटिकल टू क्वालिटी कहते हैं। हमने इस चीज को देखा, और उसके बाद हमने एक और चीज देखी, हमने चेंज माइंड, रिस्पेक्ट फॉर पीपल, लोगों की इज्जत। हमने ये भी देखा कि काम करना चाहिए और पहली दफा सही काम करना चाहिए। हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ वेस्ट होते हैं और ज़ाया जो चीज़ करते हैं, जो खामखा चीज़ कर रहे होते हैं, कुछ नॉन वैल्यू एडेड चीज़ें होती हैं, कुछ वैल्यू एडेड चीज़ें होती हैं। हमने ये भी देखा, और हमने ये देखा है कुछ नॉन वैल्यू एडेड चीज़ें ऐसी होती हैं जो करनी फिर भी ज़रूरी होती हैं। उसकी वजह ये होता है कि वो नॉन वैल्यू एडेड काम किए बगैर ना आप अपना गुजारा नहीं होता, क्योंकि हवा में तो नहीं चल सकता, थोड़ी सी तो उसको थोड़ा सा तो सपोर्ट फंक्शन चाहिए होता है। बिल्कुल, हमें डिफेक्ट फॉर मिलियन अपॉर्चुनिटीज हमने पढ़ा। हमने ये देखा कि किसी भी मसले को डिफाइन करना है, हमने मसले को डिफाइन करने के लिए प्रोजेक्ट, जो हमने प्रोजेक्ट चूज करना है उसके लिए हमने सबसे पहले तो हमें ये देखना है सबसे ज़्यादा वो क्रिटिकल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट पॉइंट्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो पेन पॉइंट्स हैं उसके गिर्द हमारे होने चाहिए क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स। और डिफाइन में हमें ये देखना चाहिए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना चाहिए, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें इस तरह की चीज़ें लिखनी चाहिए कि क्या गलत है, कहाँ गलत है, कितना गलत है, और वो जो जितना गलत है वो हमें किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, और हमारे और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट भी लिखना चाहिए कि अगर हम ये चीज ठीक करेंगे तो हमारा ख्याल है कि इतनी की बचत होगी और उससे इतना हमारा बेहतर होगा काम, और हमारा जो फलाना कॉर्पोरेट गोल और ऑब्जेक्टिव्स है वो बेहतर हो जाएगा, उसके साथ अलाइन हो जाएगी, ये भी हो जाएगा पता, ठीक है। यानी हमें, और उसके बाद हमने देखा कि मेजर करना है, मेजर करने में हमने एक प्रोसेस फ्लो बना लिया, हमने उसको ग्राफिकली देख लिया, हमने उसको उसके मुख्तलिफ देखा कि उसके मीन मीडियन मोड कैसे हैं, उसका ये देखा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं ग्राफिकली के ये प्रॉब्लम प्रॉब्लमेटिक है, प्रोसेस कितना कैपेबल है वो देख लिया, हमने ये देख लिया कि मेजरमेंट कैसे किया जाता है, डाटा डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूस है, और हमने फिर ये भी देखा कि मेजरमेंट सिस्टम को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, मेजरमेंट सिस्टम भी तो एक प्रोसेस है। और उसके बाद हमने ये देखा कि एनालाइज में हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी कि मुख्तलिफ स्कैटर पॉट्स देखे, हमने मुख्तलिफ डायग्राम्स देखी, इम्प्रूव में हमने ये चीज़ें देखी कि किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम इस वक्त हम जाएंगे कंट्रोल पे, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ।
ये जी कंट्रोल, ठीक है जी। कंट्रोल फेज की जो मेन चीज है वो ये है कि हमने मेंटेन करना है कि वो जो एक चीज वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, उसको मेंटेन करना है ऐसे तरीके से कि इम्प्रूवमेंट सस्टेन करें, यानी जो हमने इम्प्रूव किया वो इम्प्रूव होने के बाद दोबारा खराब ना हो, सस्टेन करें, इसलिए हमने कंट्रोल करना है। इसमें हमने वैलिडेट करना है सॉल्यूशन को, कि जो सॉल्यूशन हम दे रहे हैं उसको वैलिडेट भी करना है कि वाकई वो सॉल्यूशन सही भी है कि नहीं है। हमने असेस करना है कि प्रोसेस कैपेबिलिटी के अंदर जो एक कैपेबिलिटी उसकी ठीक है कि नहीं है, और वक्त के साथ साथ क्या उसमें वेरिएशन तो नहीं आ रही, कोई मसला तो नहीं आ रहे। हमने कोई कंट्रोल मैकेनिज्म बनाने हैं कि हमारे जो काम के जो सॉल्यूशन है वो लॉन्ग टर्म हो। हमने डॉक्यूमेंट करना है और मॉनिटर करना है प्रोसेस को, और मैट्रिक्स डिफाइन करना है कि हमारे प्रोजेक्ट्स किस तरह कहाँ पहुंचे हैं। हमने कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाना है, कोई स्टैंडर्ड तरीकेकार बनाना है। हमने प्रोसेस प्रोसेस ओनर को हैंड ओवर करना है ट्रेन करने के बाद कि इस तरीके से काम करने की जरूरत है। हमने कैलकुलेट करना है कि हमें फायदा कितना हुआ है, हमारे पैसे कितने बचे हैं, और डॉक्यूमेंट करना है पूरे प्रोजेक्ट को ताकि हम एक फाइनल रिपोर्ट बना सकें। कंट्रोल के जो कुछ फेज के कुछ पार्ट्स होते हैं, एक तो डिसिप्लिन है, एक डॉक्यूमेंटिंग इम्प्रूवमेंट है, एक कीपिंग सोर्स है, एक एस्टैब्लिश ऑनगोइंग प्रोसेस मेजर्स हैं, एक आपका है कि आप अगले स्टेप पे जाएं और एक मैनेजमेंट प्लान बनाएं, यानी आप में डिसिप्लिन आ जाए, आप सही तरीके से उसको लिख लें कि इम्प्रूवमेंट कैसे हुई है, आप एक स्कोर दे दें प्रोसेस के मेजरमेंट के, कोई तरीकाकार बना लें, और फिर अगले प्रोसेस मैनेजमेंट का एक प्लान बना लें। अच्छा जी, डिसिप्लिन में क्या है? डिसिप्लिन में आपने स्टेबल और प्रिडिक्टेबल प्रोसेस चाहिए आपको। उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए लोगों के लेवल पे भी और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के लिए, ये एक चीज जरूरी होती है। डिसिप्लिन स्टार्ट होता है उस प्रोसेस जो स्टार्ट होता है ट्रेन ट्रैक और इवैल्यूएट करने से और रिवॉर्ड करने से। यानी आप जब आप सिलेक्ट करते हो, आप ट्रेन करते हो लोगों को, आप ट्रैक करते हो और इवैल्यूएट करते हो, और आपकी रिवॉर्ड भी आपके उस चीज पे होता है, तो वो डिसिप्लिन जो बिहेवियर होता है ना वो तब बनता है डिसिप्लिन वाला। अगर डिसिप्लिन प्रोएक्टिव प्रोसेस ना हो तो हो सकता है कि कंट्रोल ना हो इम्प्रूवमेंट। और डिसिप्लिन पर्सनल लेवल पे तब तक मुश्किल होगा जब तक सब लोगों को समझ नहीं आएगी कि इस नए प्रोसेस की जरूरत क्यों है। एक मिनट, अच्छा डॉक्यूमेंट करना है, आपने डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। मुझे तो नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है, इंटरनेट मेरा तो चल रहा है, मुझे तो हो रहा है। खैर, मैंने बेसिकली अपने मोबाइल पे भी साथ पे रख लिया है ताकि मुझे नजर आ जाए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है उसकी। अच्छा, अपने इम्प्रूवमेंट के सिस्टम को आपने डॉक्यूमेंट करना है, तस्वीरें बनानी है, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, वीडियो टेप्स बनाने, जहां जहां पॉसिबल है कोशिश करें कि मुश्किल जुबान इस्तेमाल ना करें। जितना आसान जुबान इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर होगा। और जब आप करें तो उसका बहुत मैनुअल बहुत मोटा ना बनाएं, आप छोटे छोटे मैनुअल बनाएं, आसान बनाएं।
तो आप खुद सोचे ना, आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे, आपको अगर आपको कोई चीज मिले, आप चाहेंगे मैनुअल बड़ा हो या मैनुअल छोटा और सिंपल हो? आप वार्निंग साइंस जो हैं उनको एंटिसिपेट करें। अगर और ऐसे तरीके से बनाएं कि वो जब उसको चाहिए वो मैनुअल या वो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो उसके करीब हो, वो दूर ना हो और कॉम्प्लिकेटेड ना हो, वो चीज सिंपल हो, क्योंकि सक्सेस जो है वो सिंप्लिसिटी में है। एक स्कोर एस्टैब्लिश करना है, एक तो सीपॉक बना लें, इंप्रूव प्रोसेस का सीपॉक बना लें, अपस्ट्रीम प्रोसेस को मेजरमेंट करें और उसको लिंक करें इंप्रूवमेंट के साथ, और आप क्रिटिकल इनपुट मेजर्स को क्वांटिफाई करें। जूम प्लीज, मेरी शक्ल पे निकाल देता हूं अपना। इसकी अलग अलग स्लाइड बनाएं। चले ठीक है, बिल्कुल यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, ये बिल्कुल, ये भी मुझे फीडबैक मिल गया कि मुझे वो यूजर फ्रेंडली, क्योंकि ये आप लोग उस पर देख रहे हैं जो प्रोसेस मैनेजमेंट का जो प्लान है, प्रोसेस मैनेजमेंट का जो प्लान है वो बनाएं। पहले करंट प्रोसेस मैप बनाएं, आप कोई एक्शन अलार्म्स लगाएं, आप इमरजेंसी फिक्सेस, अगर अलार्म हो तो कोई इमरजेंसी फिक्सेस का कोई मैकेनिज्म बनाएं, और कोई कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का कोई ना कोई तरीकेकार बना लें। और प्रोजेक्ट खत्म करते हुए आपने टीम मेंबर्स के साथ बैठना है, और सब कुछ आपने टीम मेंबर्स के साथ बैठना है, और आपने टीम मेंबर्स के साथ अपना जो एक स्टोरी बोर्ड है वो कंप्लीट करना है, प्रिपेयर करना है कि आपने टॉप मैनेजमेंट को दिखाना है, और आखिर में आपने सेलिब्रेट करना है। अब कंट्रोल फेज के डूज हैं कुछ। सबसे डूज में है कि आपने डॉक्यूमेंट करना है इंप्रूवमेंट का प्रोसेस। एक मिनट, आपको नजर नहीं आ रहा? मुझे पता चल रहा है कि आपके कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको नजर नहीं आ रहा। चलें जी, मैं अपनी शक्ल निकाल देता हूं, और मैं अपनी शक्ल निकाल देता हूं और सिर्फ स्क्रीन को शेयर करता हूं। शायद आपको थोड़ा सा ज्यादा अब बेहतर नजर आ रहा है आपको? ये बेहतर नजर आ रहा है? कोई बता सकता है कि उनको बेहतर नजर आ रहा है कि नहीं? चलें ठीक है, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, आपने डॉक्यूमेंट बना करना है, आपने बैलेंस करना है अपने मेजर्स को, और आपने चैनल्स करना है कि आपके इंफॉर्मेशन आपके कस्टमर से वापस आपको मिल सके। ये है डूज। अब है डोंट्स। आपने साइट पे नहीं रखने प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स को, दूर नहीं रख लेना। आपने एक्सपेक्ट नहीं करना है, ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि आपका डाटा जो कलेक्ट करेंगे वो आपके अजम्पशंस को पूरा भी उतरेगा उस पे। और आपने प्रोसेस मैप को भूलना नहीं है, क्योंकि पिक्चर जो है ना, इट्स वर्थ 1,000 वर्ड्स एनीवेज। और आपने मुश्किल चीज नहीं बनानी। अब बेसिकली एक टूल है जिसको कहते हैं फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। एक मिनट,
फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस जो है एक बहुत खूबसूरत टूल है, और वो टूल ऐसा है कि आप शुरू से लेके आखिर तक अपने प्रोजेक्ट की चीजें उसमें से उसमें डाल सकते हैं उस एक टूल में। और उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें बेसिकली फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस मुख्तलिफ टूल्स की तरह बेसिकली एक टूल है। इसमें रिस्क देखते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं उसके पोटेंशियल एक्शंस को, और इसमें लाइकलीहुड देखते हैं कि चीज खराब होने की लाइकलीहुड क्या होती है। इसमें डिटेक्टेबिलिटी देखते हैं कि चीज खराब होने की डिटेक्टेबिलिटी कितनी है। और इसको देखते हैं फेलियर की सिवेरिटी देखते हैं। यानी इसमें हमने देखा कि चीज की लाइकलीहुड क्या है और उसकी डिटेक्टेबिलिटी कितनी है और उसकी सिवेरिटी कितनी है। वन होता है कि लाइकलीहुड बहुत कम है, 10 है कि तकरीबन सर्टेन है। इसी तरह डिटेक्टेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है वो लाइकली टू डिटेक्ट 1 है, वेरी अनलाइकली टू डिटेक्ट 10 है। सिवेरिटी ऑफ फेलियर लिटिल इंपैक्ट होगा तो 10 है, सॉरी लिटिल इंपैक्ट है तो 1 है, एक्सट्रीम इंपैक्ट है जिसमें इंजरी हो सकती है, बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है, वो 10 है। इसको मल्टीप्लाई करके बनता है रिस्क प्रायोरिटी नंबर। इसी तरह एक और चीज है जिसको कहते हैं गेज R&R। ये गेज जो है रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी की है। ये एक ऐसा टूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेजरमेंट की फंक्शन को देखता है कि मेजरमेंट की फंक्शन में कितना कितनी जान है। रिपीटेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर कोई और यही मेजरमेंट करेगा तो क्या वो भी रिपीट होगा, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी होगा ये कि मुख्तलिफ लोग नहीं, रिपीटेबिलिटी का मतलब ये है कि आपने खुद किया दोबारा मेजर तो क्या आप वही करेंगे। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब है कोई और वही काम करेगा तो क्या वो उसी तरह का इंपैक्ट पड़ेगा, वही चीज में आएगी। रन चार्ट्स हैं, एक डेफिनेशन के मुताबिक रन चार्ट जो है वो के एक बड़ी टाइम के थ्रू देखते हैं मेजरमेंट्स को। कंट्रोल चार्ट्स हैं, कंट्रोल चार्ट्स में आप ये चीजें देखते हैं कि दोबारा आएगा जवाब, दोबारा मैं आई विल कम बैक टू FMEA FMEA के, I'll come back to it। कंट्रोल चार्ट्स हैं, उसमें डेटा पॉइंट्स टाइम के ऊपर ऑर्डर करते हैं, और कंट्रोल लिमिट्स होते हैं। आपके कंट्रोल चार्ट्स जो हैं वो टाइम इफेक्ट को क्रिएट करते हैं, और बेसिकली कॉमन वेरिएशन को देखते हैं, स्पेशल कॉज वेरिएशन देखते हैं। डिफाइन फॉर सिक्स सिग्मा एक चीज होती है,
design is a funny word. Some people think design means how to look, how it looks. But of course, if you deeply look and dig deeper, it's really how it works. स्टीव जॉब्स ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि डिज़ाइन एक बड़ा ही अजीब मजाका खेस अल्फाज है. कुछ लोगों का ख्याल है कि डिज़ाइन का मतलब है दिखता कैसा है, जबकि उसका ख्याल है कि वो काम कैसा करता है. तो डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा एक ऐसी फिलॉसफी है जो नए प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए होता है. और जब रीडिज़ाइन करना होता है प्रोसेस को, तो उस वक्त हम कस्टमर के ऊपर देख रहे होते हैं. जब आप नए सिरे से एक सर्विस बना रहे होते हैं, उस वक्त आपका कस्टमर होता ही नहीं है. तो उसमें हम पोटेंशियल देखते हैं, मार्केट का पोटेंशियल देखते हैं. जहां कस्टमर इन्वॉल्व होता है, वहां पे हम एंड यूजर और इंटरनल बिजनेस स्टेक होल्डर्स को देखते हैं, और कस्टमर के रिक्वायरमेंट को देखते हैं, और कस्टमर की क्रिटिकल टू क्वालिटी को देखते हैं. इसके लिए डिमांड भी होता है. अच्छा, सिंप्लीफाइड FMEA, ये एक सिंप्लीफाइड FMEA भी एक होता है कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेल्स के हैं, सिंप्लीफाइड हो सकते हैं, आसान बना के कर सकते हैं उसको. आपका एक सिंप्लीफाइड FMEA जो है, जो सिंप्लीफाइड FMEA है, वो एक मेथड है कि इसमें आप देख सकते हैं कि चीज़ें कहाँ गलत हुई हैं, प्रोजेक्ट में कहाँ ट्रैक हुआ है. बजाय 1 to 10 करने के 1 to 5 कर लें आप उसको. ये एक तरीका है, उसमें 1 to 5 कर लिया है. मगर मैं ये इनपुट के जो वेरिएबल्स हैं, आपके जो इनपुट के जो वेरिएबल्स हैं, वो आपने सारे डाल दिए. पोटेंशियल फेलियर मोड्स कि किस किस तरीके से फेल हो सकता है, उस इफेक्ट क्या होगा उस फेलियर का आपके कस्टमर के ऊपर अगर हो गया तो, वो लिखा. फिर आपने लिखा कि सिवेरिटी कितनी होगी, अगर वो फेलियर हो गया तो उसकी सिवेरिटी कितनी होगी. पोटेंशियल आइडेंटिफाइड फेलियर और मोड्स, अकरेंस कितनी होगी, करंट प्रोसेस कंट्रोल्स, डिटेक्टेबिलिटी कितनी है आपकी, उसके बेस पे आपका बनेगा रिस्क प्रायोरिटी नंबर. उसके बाद आप करेंगे सजेस्टेड एक्शंस होंगे, असाइन किसको करना है, किस ने करना है, और आखिर में एक्शंस क्या होगा उसके ऊपर. एक्शंस ले लिया गया है, उसके बाद जब एक्शन ले लिया गया था, तो फिर दोबारा हम देखेंगे सिवेरिटी, दोबारा इसकी सिवेरिटी कितनी है, दोबारा इसकी अकरेंस कितनी है, दोबारा इसकी डिटेक्टेबिलिटी कितनी है, और RPN क्या वो कम हुआ है कि नहीं हुआ. अच्छा, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई. आपको डिटेक्टेबिलिटी की समझ आई, आपको अकरेंस की समझ आई, आपको सिवेरिटी की समझ आई है कि कोई अगर चीज खराब होती है तो उस कितनी ज्यादा सिवियर होगी वो अगर चीज खराब हो गई, और आपके प्रोसेस में डिटेक्ट करने की काबिलियत कितनी है, और आपके प्रोसेस कितना चांस है कि वो खराब हो. इसके बाद बनेगा आपका रिस्क प्रायोरिटी नंबर, और रिस्क प्रायोरिटी नंबर जो बनेगा उससे आपको ये पता चल जाएगा कि सबसे पहले आपके पास अगर 100 चीजें हैं, आपका फर्ज करें 10 चीजें काम करने के लिए, तो 10 चीजों में सबसे पहले किसको सबसे पहले आपने किसको ठीक करना है, जिसका RPN ज्यादा होगा. जो मैं ड्रॉप बॉक्स में डाल देता हूं, उस ड्रॉप बॉक्स में मैं ये भी डाल देता हूं, इसका मेरे पास एक पड़ा हुआ है, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, एक मिनट. इसमें तो कोई इतना मसला है ही नहीं, ये देख रहे हैं आप.
इसमें आपको इनपुट वेरिएबल नजर आ गए, आपको पोटेंशियल फेलियर नजर आ गए, आपको इफेक्ट क्या है वो नजर आ गया, सेवेरिटी नजर आ गई, आपको पोटेंशियल कॉजेस नजर आ गए। पोटेंशियल कॉजेस के बाद करंट प्रोसेस कंट्रोल्स देख लिए, डिटेक्टेबिलिटी कितनी होगी, रिस्क प्रायोरिटी नंबर आ गया, सजेक्टेड एक्शंस आ गए, असाइन टू आ गया, और आपके सेवेरिटी अकरेंस और डिटेक्टेबिलिटी आ गई, और उसके बाद आपको रिस्क प्रायोरिटी नंबर पता चल जाएगा। आरपीएन का मतलब है रिस्क प्रायोरिटी नंबर। ठीक है, ये मैं एक्सेल शीट जो है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ऐसी कौन सी बड़ी। अच्छा सॉरी, मैं एक और चीज भी दिखाना चाहता हूँ आपको, इसी एक्सेल शीट के अंदर एक और चीज भी है। एक मिनट, इसको जूम को तो नॉर्मल करें ना पहले। अच्छा, इसी एक्सेल शीट के अंदर एक और चीज भी है, और वो जो है वो है स्कोरिंग स्केल। ये जो स्कोरिंग स्केल आपको दिखा रहा हूं, ये स्कोरिंग स्केल आपको बताएगा कि क्या हो तो किस नंबर, क्या नंबर देना चाहिए। यानी अगर कोई इफेक्ट नहीं है तो सेवेरिटी आपने जीरो दे दिया, अगर वन दे दिया, अगर कोई बहुत ही तकरीबन बिल्कुल ही चांस नहीं है तो आपने उसको वन दे दिया। और डिटेक्टेबिलिटी, अगर बिल्कुल आप सर्टन है कि डिटेक्ट हो जाएगा अगर खराबी होगी तो आपने उसको एक दे दिया। और अगर एक्सट्रीमली माइनर है डिस्ट्रप्शन और बहुत कम कस्टमर उसको नोटिस कर रहे हैं तो आपने सेवेरिटी कम दे दिया, उसे टू दे दिया। और बहुत कम फेलियर्स हैं तो आपने उसको टू दे दिया, अकरेंस बहुत कम है वो। और अगर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि डिटेक्ट हो, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, एक तो ये है ना कि बिल्कुल ही होना ही होना है, तो वो आपका आ जाएगा, आपका टू हो जाएगा। अगर मेजर माइनर डिस्ट्रप्शन है तो आपका थ्री आएगा, रेयर फेलियर है तो आपका, ये पीपीएम है, प्रॉब्लम पर मिलियन। ठीक है, तो ये जो पीपीएम लिखा हुआ है ना, वो प्रॉब्लम पर मिलियन है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि कंट्रोल डिटेक्ट करेगा, थ्री कर देंगे। इसी तरह अगर माइनर डिस्ट्रप्शन है तो आपका फोर करेंगे, माइनर डिस्ट्रप्शन कस्टमर मगर डिससेटिस्फाई होगा तो फाइव या सिक्स करेंगे। और मॉडरेट फेलियर यानी 10,000 पर मिलियन तो ये करेंगे, और आप इस तरीके से 4, 5 सेवेरिटी की 6 करेंगे। मॉडरेट डिस्ट्रप्शन होगा तो 7 करेंगे, मेजर डिस्ट्रप्शन होगी तो 8 करेंगे, हाई डिस्ट्रप्शन होगी तो आप 9 करेंगे। और इसी तरीके से अगर हाई डेंजर ऑफ सीरियस इंजरी या मर जाए बंदा, अगर वो सेवेरिटी इतनी ज़्यादा है तो, और उसकी वार्निंग भी कोई नहीं होगी, तो फिर तो आपको 10 करना चाहिए उसको सेवेरिटी में। अकरेंस में अगर 1,00,000 एक मिलियन में से 1,00,000 अगर फेलियर रेट है उसका, तो फिर तो आपको हर सूरत करना चाहिए। नहीं, मुझे साफ नजर आ रहा है, मुझे क्लियर नजर आ रहा है, क्योंकि मैं ना अपना मोबाइल पे, मैं साइमल्टेनियसली मोबाइल पे मैं खुद भी देख रहा हूँ, और मोबाइल पे जो मैं खुद देख रहा हूँ वो इसलिए देख रहा हूँ ताकि मुझे पता हो कि मैं कहीं वो तो नहीं हो रहा, कि बंद तो नहीं हो रहा मेरा सिस्टम। अच्छा जी, ये स्लाइड फिर आप बाद में ग्रुप पर डाल देंगे। हाँ, मैं डाल दूंगा ग्रुप पर, ये स्लाइड नहीं, ये तो वो है, एक एक्सेल शीट है।
ये एक्सेल शीट में अपलोड कर दूंगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। और मैं ग्रुप में जो ग्रुप बना ना फेसबुक का उसमें डाल दूंगा, किधर है अव्वल, तो मैं उसी ड्रॉप बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है जी, स्कोप क्या है FMEA का, स्कोप क्या है FMEA का? स्कोप जो है वो तो आप किसी भी चीज के लिए FMEA कर सकते हैं, और उसका जो मकसद है वो ये देखना है कि जो फेलियर है उस फेलियर की मोड्स क्या हैं, उसके इफेक्ट क्या हैं और उसके एनालिसिस क्या हैं, ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि कोई भी मसला आएगा वो कितना सिवियर होगा, कोई भी मसला होगा उसकी मसले की अकरेंस कितनी है, और कोई भी मसला आएगा उसके हमारे सिस्टम में डिटेक्ट करने के चांसेस कितने हैं। FMEA ये चीजें देख रहा होता है। तो असल में ये है, और उसके बाद आपको कहता है कि आप इसको असाइन करें किसी को, क्या चीज ठीक करनी है वो जब चेक कर लेंगे मुख्तलिफ टूल्स लगा के, और जब चेक करने के बाद वो आप असाइन करेंगे किसी को, उसके बाद कब तक होना चाहिए ट्रैक करेंगे, और उसके बाद एक आप दोबारा देखेंगे कि उसकी सिवेरिटी कितनी आ रही है, उसकी अकरेंस कितनी आ रही है और उसकी डिटेक्टेबिलिटी कैसी है। तो आपको पूरे का पूरा जो है ना आपके उस फेजेस में से आपको गुजार देती है। चले जी, सरोज आपको समझ आ गई, चले बड़ी मेहरबानी, आपको समझ आई है। क्या क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट जो है एक मेथड है स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट और सर्विस की प्लानिंग के लिए, जो कि आपको आसान कर देती है कि आप किसी चीज को आसानी से उसके कस्टमर्स के जो चाहता है कस्टमर्स वहां तक पहुंच सकें, और उसके हर प्रोडक्ट की प्रोसेस की जो कैपेबिलिटी है उसको आप क्लियरली देख लें और इवैल्यूएट करें प्रोडक्ट और सर्विस की कैपेबिलिटी को कि उसके इंपैक्ट कैसी होगी। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट फंडामेंटली जो है ना एक प्लानिंग और टूल है एक बेहतर प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए। क्वालिटी फंक्शन बिफोर डिप्लॉयमेंट का जो एक बेनिफिट है वो ये है कि प्रोडक्शन प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन टीम जो है वो कम्युनिकेट करती है मैनेजमेंट को कि वो करना क्या चाहते हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजी दिखाते हैं फेज तरीके से। बहुत सिमिलर है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट बिल्ड मेजर लर्न, बिल्ड मेजर लर्न, बिल्ड मेजर लर्न, जो मैंने लीन स्टार्टअप का जो कॉन्सेप्ट बनाया था, क्योंकि वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए है। और इसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट से मुझे याद आया कि मैं आपको एक मिसाल दे दूं। आप लोगों को वैसे मुझे एक फील हुआ था कि आपको अमेज़न के और गूगल के आपको जो मिसाल जो होते हैं आपको ज़रा शौक होता है सुनने का, तो चले मैं आपको एक अमेज़न की मिसाल देता हूँ। Amazon में एक प्रोडक्ट बनी जो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, वो विंडोज का फोन आया था Amazon का। Amazon का जब फोन आया था ना बहुत ही ज्यादा पिट गई थी। आपके किसी जानने वाले ने इस्तेमाल किया उसको? बहुत कम। तो अब हुआ क्या था, जब वो पिट गई $200 मिलियन का शुरू में नुकसान हुआ उनको, तो
उनको पास बल्कि 200 मिलियन डॉलर के उनके पास फोन्स पड़े हुए थे, बिके ही नहीं। हाँ टैब यूज नहीं, मैं फोन की बात कर रहा हूँ, उनका एक फोन भी आया था जो पिट गई थी। तो अब हुआ ये कि वैसे अमेजॉन जो है वो बहुत ही ज्यादा वैलिडेटेड लर्निंग को इस्तेमाल करता है अपने प्रोडक्ट और सर्विस में, मगर इत्तफाक की बात है जब वो आके ना उसके अंदर फोन बनाने में, तो थोड़ा सा वो अपने नॉर्मल रूटीन से हट गए थे। और आप उस टीम से कभी भी पूछे ना जो जिसने प्रोडक्ट बनाई है कि जी क्यों आपने ये चीज फीचर क्यों बनाई है इस तरह, तो वो आगे से जवाब देते थे जेफ चाहता था। अब हुआ ये कि जेफ बेजोस ने अपने जहन से चीजें बनाई कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, मुझे इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, जबकि प्रोडक्ट वो अपने जैसों के लिए नहीं बना रहा था, वो दूसरे लोगों के लिए बना रहा था। तो जब आप दूसरे लोगों के लिए बना रहे हैं एक प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं, तो आपको दूसरे लोगों से पता करने की जरूरत है ना कि वो उनको क्या चाहिए, ना कि आपने कहा कि जी बस यही चीज है। कितने लोग होंगे जो उसकी तरह के होंगे, जेफ की तरह के, उसके सोच के कितने लोग होंगे, कम होंगे। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि अमेजॉन के अंदर हर चंद सेकंड, हर मिनटों के बाद एक नया कोड जाता है, वो कोड देखते हैं कि लोग यूज कितना कर रहे हैं, वो फीचर यूज कितना कर रहे हैं, और जो यूज कर रहे होते हैं उसके हिसाब से वो उसको बढ़ा करते हैं या कम करते हैं, उस फीचर को बेहतर करते हैं। अगर कोई यूज ना कर रहा हो उस फीचर को, तो फीचर को छोड़ देते हैं। उनका तो एक कंटिन्यूस फीडबैक लूप है उनके पास, मगर उन्होंने जब फोन बनाया था उस वक्त वो गड़बड़ कर गए थे। तो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट जो है हमारा, एक ऐसी चीज है जो हेल्प करती है कि आपने कोई नया प्रोडक्ट या नया सर्विस बनाना है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने चार चीजें चेक करनी है। वो चीज क्या करनी है आपने? वॉइस ऑफ कस्टमर देखना है, वॉइस ऑफ बिजनेस देखना है, वॉइस ऑफ एम्प्लॉय देखना है, और वॉइस ऑफ मार्केट देखना है। ठीक है, अब वॉइस ऑफ कस्टमर, जिसने खरीदना है या जिसको चीज मिलनी है, उसकी आवाज क्या है, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और वो कितना जरूरी है इसके प्रोसेस में। वॉइस ऑफ बिजनेस, जो फंडिंग कर रहा है, ठीक है, स्पॉन्सर कर रहा है, जो मार्केटिंग कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, उसकी भी क्या आवाज है। वॉइस ऑफ एम्प्लॉय, आप लोग जो काम कर रहे हैं उसकी तरफ, वो चीज बनाने के लिए उनकी कोई आवाज है। वॉइस ऑफ मार्केट, ट्रेंड सेटिंग कैसी है, लीड यूजर्स हैं, अर्ली अडॉप्टर मार्केट कैसी है, सेगमेंट्स कैसे हैं, मार्केट डिफाइनिंग और वॉल्यूम परचेजेस कैसे हैं, ये चार चीजें वो देखता है। अच्छा, अब ये क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट जो है उसकी इस तरह की शक्ल होती है। ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना चाह रहा हूं ताकि आप देख सकें। क्योंकि मुझे एहसास ऐसा हो रहा है कि आपको ये बाज़ूकात शायद आपके मोबाइल से देख रहे होंगे। ये बेसिकली, ये जब मैंने डिजाइन किया था ना, ये सच्ची बात ये है कि जब मैंने डिजाइन किया था तो ये सोच के डिजाइन किया था कि मैं तो ये फिजिकली ट्रेनिंग करा रहा हूँगा, तो कंप्यूटर पे तो उस तरह नहीं आ रहा, कंप्यूटर पे भी फिर भी नजर आ जाता है ये आपको, अगर फोन पे कोई देख रहा है तो फोन पे लोगों को कम नजर आएगा। खैर, जो पहली चीज ये है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो आपके आगे लेफ्ट पे, ठीक है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस कैसी है, उसकी रेटिंग, वो नंबर टू हो गया। नंबर थ्री हो गया कि परफॉर्मेंस स्कोर्स क्या है परसेप्शन के पर्सपेक्टिव से। फाइव फोर आ गया आपकी इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो क्या आपकी वो क्या फीचर्स हैं। फिर नंबर फाइव है कि इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या हैं, के साथ लिंकेज क्या है। छठा जो ऊपर है कि आपस में रिलेशंस क्या है,
कौन से कैरेक्टर किसके साथ लिंक्ड है। सातवां ये है कि इंजीनियर लेबोरेटरी जो है या जो चीज बना रही है उसके मैट्रिक्स कैसे हैं। आठवीं चीज ये है कि आपके पास डेटा कितना है कि डिजाइन डिसीजंस के ट्रेड ऑफ्स के बारे में कि अगर ये नहीं करेंगे क्या करेंगे तो क्या होगा। तो ये सारा आपका हो गया आपका हाउस ऑफ क्वालिटी। आपको एक तस्वीर में बहुत सारी चीजें नजर आ जाएंगी, आपको बहुत मुख्तलिफ चीजें इकट्ठी नजर आती हैं इसमें। क्वालिटी फंक्शन वॉइस ऑफ कस्टमर क्या है, क्या और कैसे। क्या और कैसे, ठीक है, क्या और कैसे आपके प्रोडक्ट प्लानिंग में है। उधर से निकला आपका व्हाट, हाउ से निकला व्हाट, फिर आपने डिजाइन करते हुए क्या डिजाइन करना है, कैसे डिजाइन करना है, उधर से निकलेगा व्हाट, फिर आएगा कि प्रोसेस असेंबली डिजाइन कैसे बनाएगी, क्या बनाएंगे कैसे बनाएंगे। तो ये इस तरीके से आपकी इंटर रिलेटेड होते हैं मैट्रिक्स। कुछ किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट इस्तेमाल किस तरीके से होती है मैन्युफैक्चरिंग में। आप सिंपल क्यूएफडी, एक मिनट, हाँ, एक सिंप्लीफाइड क्यूएफडी बना लेते हैं कि एक कस्टमर से उनसे नीड पता कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या जरूरत क्या है उसकी। सेल्स एंड मार्केटिंग से पहले आप एक पोटेंशियल कस्टमर्स समझने की कोशिश करते हैं, सेल्स पर्सन के साथ, सेल्स सप्लायर के साथ आप समझना शुरू करते हैं काम करने से पहले। अकाउंटिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर करनी है तो आपने नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या पैकेज बनाने से पहले एक सिंपल एक चीज बना लिया तो आपको इनपुट पर पता चल गया आपको। अच्छा, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट जो है वो क्वालिटी इंजीनियर्स डिप्लॉयड कहते थे पहले, मगर डिप्लॉयमेंट कहते हैं अब। बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेस हैं, सर्विसेज हैं, ये इनमें मसले इस वजह से आते हैं कि इनमें इनकॉर्पोरेट नहीं होते कस्टमर और सप्लायर के कंपोनेंट्स या उसके वो उनके जो फीडबैक होती है वो इनकॉर्पोरेट नहीं होते। आप ये नहीं देखते कि जो बाकी चीज़ें हैं इंटर रिलेशनशिप कैसी होती है उसमें वो कैसे होगी, आप टनल विजन रखते हैं। और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अज्यूम करते हैं कि जो उनको चीज चाहिए होगी वो वैसी होगी जैसे वो कस्टमर चाहते हैं। और कस्टमर जो है वो असल में जो भी इसको टच कर रहा है प्रोडक्ट को के साथ जब बना रहा है जो जब यूज कर रहा है तो उसको वो अपने तरीके से परखता है। और सबसे मुश्किल काम क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट में ये होता है कि आप अपने सप्लायर को, ऑपरेटर को, कस्टमर को एक जगह पे इकट्ठा कर दें, एक जगह पे इकट्ठा कर दें और एक जगह पे इकट्ठा करने के बाद आपस में वो इंटरेक्ट भी कर लें। कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है, इंटरेस्टिंग अक्सर बात यह है कि दुनिया अब ना बहुत मुख्तलिफ हो गई है कोविड की वजह से। बहुत सारे लोग को वर्चुअली काम करने की आदत पड़ गई है तो अब इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आसान पड़ सकती है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, अगर हर कोई इंटरेक्ट कर रहा है मगर अपने अपने घर पे कर रहा हो। क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि एक बंदा जो है कोई काम जो कर रहा हो वो दूसरे मुल्क में हो, दूसरे शहर में हो, और
ये एक सिंप्लीफाइड तरीका है उसका, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का, 1 to 5 जिस तरीके से उसका है। रेटिंग सिस्टम आपका इससे बड़ा भी हो सकता है, जीरो का मतलब है कि कस्टमर को कोई खास फायदा नहीं है उसका, 1 का मतलब है कस्टमर को बड़ा कम उसको जरूरत है उसकी, 2 का मतलब यह है कि उनकी जो कस्टमर की नीड है उसकी बड़ी लिटिल करती है, 3 का मतलब है कुछ करती है, 4 का मतलब है बहुत अच्छी तरीके से करती है, और 5 का मतलब है इसमें कंप्लीटली करती है। और हाँ, नेगेटिव नंबर होगा अगर उसके ऑपोजिट हो जाए तो आप नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं। तो ये है जी, अच्छा अच्छा कस्टमर इज प्रोडक्ट अज्यूम डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड प्रोडक्ट। देखें, कस्टमर तो वो है जो चीज खरीद रहा है, प्रोडक्ट वो है जो कि आप चीज बना रहे हैं। आप बाज़ोका खुद से सोच लेते हैं कि कस्टमर को चाहिए क्या है, आप खुद, हम लोग बाज़ औक़ात खुद से सोच लेते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, जबकि ये जरूरी नहीं है कि जो हम समझते हैं कि कस्टमर को चाहिए वो वाकई कस्टमर को चाहिए। ठीक है, वो आपको जब तक आप उससे पूछेंगे नहीं, कस्टमर के टाइप को नहीं पूछेंगे, तब तक आप उस तक नहीं पहुंच सकेंगे। अब एक एग्जांपल है, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब तो बहुत ज्यादा आ गए हैं, मगर फिर भी हम एक प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि कम्युनिकेट करना है, एक बंदे ने दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेट करना है अपने लैपटॉप से। ठीक है, और अगर हमने बूढ़े बंदे को बेचना है तो उसको बहुत आसान और बड़ा बड़ा, सिंपल और बड़ा बड़ा, जिसको आराम से क्लिक कर ले वो चाहिए होगा। अगर यंग बच्चे के लिए चाहिए, मैंने अगर फर्ज करो 22 साल के बच्चे को बेचना है, या मैंने वही चीज़ अगर मैंने 13-15 साल के बच्चे को बेचना हो, तो हो सकता है कि उसको वो छोटे छोटे आइकॉन्स भी चलें उसके लिए। बल्कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बाज़ औक़ात ये है कि हम, क्योंकि फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए बाज़ औक़ात हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो उस तरह हो गए हैं, जिस तरीके से एप्लीकेशन को देखने की बिहेवियर्स हैं वो इन चीज़ों से आ गए हैं। बल्कि एक कंपनी है जिसने लीन सिक्स सिग्मा किया हुआ है, एक बैंक है जिसने लीन सिक्स सिग्मा किया हुआ है फ्रांस, उसमें यूरोप में, उसका नाम है ING बैंक। ING बैंक जो है उसने कस्टमर के साइकी को समझने के लिए, कस्टमर के साइकी को समझने के लिए स्पॉटिफाई को यूज किया। मैंने तो जिंदगी में, सच्ची बात है, स्पॉटिफाई को यूज भी नहीं किया, मगर स्पॉटिफाई आप लोगों में से किसी ने यूज किया हुआ है? किसी ने स्पॉटिफाई यूज किया हुआ है तो यस कह दे, या स्पॉटिफाई लिख लें आप, किसी ने? थैंक यू कासिम, आपको समझ आ गई है। अच्छा, स्पॉटिफाई किसी ने यूज किया है? मुझे लगता है किसी ने यूज नहीं किया यहाँ पे स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई एक मैंने लीन सिक्स सिग्मा कहां से सीखा है? अच्छा, आपने स्पॉटिफाई यूज नहीं किया, मैं बाद में बात करता हूं कि मैंने लीन सिक्स सिग्मा कहां से सीखा है, फिर मैं बात करता हूं, मगर पहले ये इस पे आ जाता हूं कि स्पॉटिफाई एक कंपनी है जो कि गाने की एक जगह है, वहां से गाने मिलते हैं आपको, मुझे तो यही पता है उसके बारे में। मगर बात यह है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, यंग बच्चे,
वो स्पॉटिफाई को यूज करते हैं, वेस्ट में तो यूज करते हैं, पाकिस्तान में हाँ नहीं यूज करते। तो अब जो उसने क्या किया, ये स्पॉटिफाई बहुत ज्यादा यूजेज है, तो डिजिटली जो है ना लोगों को आदत पड़ गई है कि वो किस सीखना चाहिए। अच्छा स्पॉटिफाई पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है तो फिर हमने यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, मैंने अभी देखा है पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है स्पॉटिफाई, तो ऑब्वियसली तभी किसी ने यहाँ पे यूज नहीं किया। हाँ अमेरिकन है स्पॉटिफाई, तो वो वेस्ट के ट्रैक, तो लोगों किस तरीके से आदत पड़ गई है, इसलिए उन्होंने उससे सीखा कि हमें अपने प्रोडक्ट कैसे बनाने की जरूरत है। अच्छा मुझे अपनी आवाज आ रही है अपने मोबाइल से हल्की सी, मैंने इसको हल्का सा खोल लिया। हाँ जी बिल्कुल, निसार भाई ने तो किया हुआ है उसको। बिल्कुल निसार भाई ने तो काम किया हुआ है, निसार भाई तो उन लोगों में से हैं जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ बना रहे हैं जिस जो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बिकेगी। अच्छा अब एक सवाल आया था कि मैंने लीन सिक्स सिग्मा कहाँ से सीखा। सर ड्राई सब्जेक्ट है, हाँ ड्राई सब्जेक्ट तो है, ये ड्राई सब्जेक्ट है, सीखने के लिए ड्राई सब्जेक्ट है, जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो उस वक्त इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ रहा है और आप चीज़ों को परोलते हैं, जब आप चीज़ों को परोलते हैं ना, जब आप चीज़ों को देख रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से और आप लोगों के साथ इंगेज कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को बड़ा इंजॉय, कुछ लोग बहुत इंजॉय करते हैं इस चीज़ को, कुछ लोग उसको इंजॉय नहीं करते, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, तो ये है। मगर इसमें जारी बात है हर किसी के लिए नहीं है, कोई शक नहीं है हर किसी के लिए नहीं है, और जिस एनालिटिकल दिमाग होगा उसको नंबर्स अच्छे लगेंगे, उसको डिटेल में जाना अच्छा लगेगा, जिसका नंबर्स वाला दिमाग नहीं होगा, जिसका वो डेटा साइंसेस हर एक के लिए नहीं है, सीधी सी बात है डेटा साइंसेस हर एक के लिए नहीं है, और डेटा को समझना भी हर एक के लिए नहीं है। सिंपल सिंपल ये आपका रुक रही आवाज, मैंने इस वक्त ना मोबाइल अपना लगाया हुआ है उससे मैं आवाज अपनी सुन रहा हूँ हल्की हल्की सी, और मेरे पास तो आवाज ठीक आ रही है, तो हो सकता है आपके इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हो। हाँ क्योंकि मैंने बिल्कुल हल्का सा अपना आवाज भी चला दिया, अपनी वीडियो भी देख रहा हूँ अपनी आवाज भी चला दी है। अच्छा हाँ, जिनको मैथ्स पसंद है उनको बिल्कुल पसंद आता होगा आएगा ये, क्योंकि मैथ्स की एप्लीकेशन है ना, मैथ्स की ही एक शाख स्टैटिस्टिक्स है। हमने स्टैट्स को इंटरप्रेट करना हम सीख रहे हैं, इसमें जो ग्रीन बेल्ट होगा उसमें आपके पास वो भी आएगा, क्या कहते हैं ग्रीन बेल्ट में आपके मिनी टैब भी होगा, ग्रीन बेल्ट में मिनी टैब भी होगा, उसको हम स्टेटिस्टिकल टेस्ट करके भी देखेंगे ग्रीन बेल्ट में, और येलो बेल्ट में इस लेवल का हम नहीं करते। हाँ अब एक सवाल आया कि एमबीए करना जरूरी है, नहीं एमबीए करना जरूरी नहीं है इस चीज के लिए, इस काम के लिए एमबीए करना जरूरी नहीं है, बल्कि इस काम के लिए तो अगर आपको चीज समझ आ जाती है तो जरूरी नहीं है कि आपने बैचलर्स भी किया हो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो लीन सिक्स सिग्मा के मास्टर ब्लैक बेल्ट भी बन गए हैं, जिनके पास बैचलर्स की डिग्री नहीं है वेस्ट में,
क्योंकि ये हमारे यहाँ पाकिस्तान के यहाँ एक बिल्कुल सरोश मिनिटा भी मैं यूज करता हूँ। हमारे यहाँ ये बैचलर्स हर कोई करता है या बहुत ज्यादा हम कराते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वेस्ट में ए लेवल्स के बाद या हाई स्कूल के बाद नौकरी शुरू कर लेते हैं, और वो जो नौकरी शुरू करते हैं वो नौकरी पे ही सीखते हैं, और आहिस्ता 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 वो जो उनमें से जो तेज होते हैं वो अपने ऊपर जाते हैं। तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि अच्छा डाटा साइंसेस की कोई अच्छी जो कोर्स है वो, मैं डाटा साइंसेस नहीं सिखाता, मैं लीन सिक्स सिग्मा सिखाता हूँ। तो मुझे अच्छा, आप 13 साल के हैं, 13 साल के 9वीं क्लास में हो, चलो यार अच्छा है, मेरा बेटा 13 साल का 8वीं में है। हाँ चले, और खैर डेटा साइंसेस की आप हिशाम सर्वर से पूछ लेना, हिशाम सर्वर को ज्यादा बेहतर पता होगा कि डेटा साइंसेस के लिए कौन से ऑनलाइन कोर्सेज हैं। मैं बेसिकली लीन सिक्स सिग्मा पे फोकस करता हूँ। होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, आज जो हमने थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किए हैं उनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आप लोगों को समझ नहीं है? बिल्कुल शाहिद कमर, बिल्कुल बिल्कुल शाहिद कमर भाई तो बिल्कुल है ही है इसके लिए, डेटा साइंसेस के लिए। आपको कौन सी चीज समझ नहीं आई? आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है कि कंट्रोल में क्या करना चाहिए, कंट्रोल में क्या नहीं करना चाहिए? हाँ कंट्रोल फेज में। अच्छा कोई बता सकता है कि हमने क्या कहा था? पाकिस्तान में कब आया लीन सिक्स सिग्मा? देखें लीन सिक्स सिग्मा पाकिस्तान में तो शायद आ गया होगा। अच्छा गेज आर एन आर नहीं समझ आया, गेज आर एन आर मैं आपको समझाता हूं। एक बड़े सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। अब मेरे पास बोर्ड नहीं है इसलिए मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, बल्कि नहीं है, नहीं ब्रश आ गया, कलर रख दिया हमने ग्रीन, ये मैंने एक लगी खींची। ठीक है, अब मैं दोबारा लगी खींचता हूं, मुख्तलिफ खींची। इसका मतलब यह है कि मैं जो काम कर रहा था वो रिपीट नहीं कर सका। और बहुत सारी लकीरें मैंने खींच ली, अब मेरी कोई भी लकीर एक जैसी नहीं है।
इसका मतलब ये है कि मेरी रिपीटेबिलिटी नहीं है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके पास पेंट है, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे हैं, कितने लोग हैं? अच्छा नम्रा आपके काम करें, और कोई है? अच्छा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास एक असाइनमेंट करें, और अपने पास असाइनमेंट करने दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा मोबाइल पे, अच्छा मोबाइल पे तो मुश्किल है अगर आपके पास पेंट तो नहीं होगा। अच्छा जिस जिसके पास डेस्कटॉप है या लैपटॉप है उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जिस तरीके से मैंने लकीरें खींची उस तरीके से लकीरें खींचे और देखें पेंट पे। और जिसके पास लैपटॉप नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि कोई कागज़ पकड़ें, पेंसिल पकड़ें और दो एक जैसी लकीरें खींच के देखें। ठीक है, और आप लोगों के घर में कोई ना कोई तो होगा, कोई और होगा ना, अकेले तो नहीं रहते होंगे आप लोग? अच्छा अब आप घर में किसी को बुलाएं, आप अपने घर में किसी को बुलाएं, और अगर आप किसी को भी बुला लें और उनको कहें कि इसी तरह की लकीर जिस तरह आपने पहली लकीर खींची उसी तरह की लकीर खींचने की कोशिश करें। जब आपने किसी और से भी खिंचवा ली ना लकीर तो फिर मुझे बताएं कि खिंचवा ली। नहीं है सिमिलर, किसी और से खिंचवाने के बाद सिमिलर है कि नहीं है? समार सिमिलर देख लें। हाँ अब रिपीटेबिलिटी का मतलब यह है कि आप खुद अगर करें दोबारा तो वो एक जैसी बने। ठीक है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब यह है कि आप किसी और से कहें कि करे तो वो कोई और करे वैसा ही करे। तो आपने मेजरमेंट को गेज करना है, जिस तरीके से हम लकीरें गेज कर रहे थे ना एक जैसी हो, वैसे मेजरमेंट आप खुद दोबारा मेजरमेंट करें वही चीज तो वो एक जैसी करें तो वो होगी रिपीटेबल। आपके बजाय वही मेजरमेंट कोई और करे और वो एक जैसी हो तो वो रिप्रोड्यूसेबल आ जाता है। तो गेज आर एन आर एक ऐसा टूल है जो कि चेक करता है कि जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं जिस तरह भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो उसमें रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसेबिलिटी कितनी है। ये है गेज आर एन आर। ठीक है, अब समझ आइए गेज आर एन आर क्या है। रिपीटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया।
और उसको हमने गेज करना है, और उस गेज करने के लिए एक स्टेटिस्टिकल टूल है जो कि ये करके देता है। उस स्टेटिस्टिकल टूल के डेप्थ में अभी हम नहीं जा रहे क्योंकि येलो बेल्ट का स्कोप नहीं है, मगर आपको समझाने के लिए वो कॉन्सेप्ट मैं आपको इस तरीके से समझा दूं। अच्छा, वैसे आप लोगों की इस पार्टिसिपेशन से एक चीज मुझे समझ आई है कि अगर, हाँ बिल्कुल, मैकडॉनल्ड का बर्गर रिप्रोड्यूसेबल है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने सिस्टम ऐसा बना दिया हुआ है कि एक जैसा बनता है, और अगर वो सिस्टम ऐसा ना बनाए तो हर बंदे का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। अच्छा, मुझे आप लोगों की इस एक्टिविटी में एक चीज समझ आई है कि अगर मैं आप लोगों से कोई ग्रुप असाइनमेंट करवाऊं तो हम किसी ना किसी तरीके से सिमुलेट कर सकते हैं, जो अगर हम सामने बैठे हों तो आप ग्रुप असाइनमेंट कर रहे हैं। मुझे ये एक चीज समझ आई है कि जिस तरीके से अभी हमने ये क्योंकि ये मेरी ट्रेनिंग में से बहुत सारे, मेरे जनरल जो ग्रीन बेल्ट की ट्रेनिंग होती है उसमें से बहुत सारे जो एक्सरसाइजेस हम कर रहे होते हैं उनमें से एक एक्सरसाइज ये करते हैं, मैं दीवार में बनवाता हूं। ठीक है, चले, अब ये आ गया है। और कोई चीज आप बताएं कि आज की जो हमने बात की है जो आपको समझ नहीं आई। FMEA पे आ जाते हैं, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। ठीक है, और फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस में हम देख क्या रहे हैं, हम देख रहे होते हैं कि जो इनपुट है उसका पोटेंशियल फेलियर, उसका वो खराब होने के खराबी के साथ उसकी क्या एसोसिएशन है कि उसकी वजह से आउटपुट खराब हो, और अगर वो खराब होगा तो उसका इफेक्ट कैसा होगा, उसकी सिवेरिटी क्या होगी, और पोटेंशियल कॉजेस कितने हैं उसके। और इस वक्त करंट प्रोसेस में कंट्रोल्स कितने हैं कि वो अगर हो जाए तो वो पता चल जाए, उसके ऊपर सिवेरिटी इनटू अकरेंस इनटू डिटेक्टेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके निकलता है रिस्क प्रायोरिटी नंबर। इससे हमें पता चलता है सबसे पहले हमने किस पे काम करना है, उसके बाद हम आ जाते हैं सजेस्टेड एक्शंस के ऊपर, और उसके बाद हम आ जाते हैं किसको हमने असाइन करना है, कब तक होना चाहिए, उसके बाद हम आ जाते हैं कि एक्चुअल असाइन एक्शन हो गया है, जब एक्चुअल असाइन हो जाता है तो फिर हम दोबारा उसकी सिवेरिटी देखते हैं, दोबारा अकरेंस देखते हैं, दोबारा डिटेक्टेबिलिटी देखते हैं, और दोबारा एक रिस्क प्रायोरिटी नंबर निकाल लेते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि वाकई ही इंप्रूव हो गया है। ठीक है, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट को रिपीट करें। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट एक बहुत ही तगड़ा टूल है किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी हाउस ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं इसको, किसी भी प्रोडक्ट को मेरा ख्याल है इससे बड़ा नहीं होगा। इसमें सबसे पहले आपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स लिखे कि किस किस किस्म के
रिक्वायरमेंट्स हैं, उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है कस्टमर के लिए, कस्टमर की परसेप्शन क्या है उसके बारे में, उसके बाद इंजीनियरिंग की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप डिजाइन में बना सकते हैं, उसके बाद उस मैट्रिक्स को लिंक करते हैं करेक्टरिस्टिक्स के साथ, उसके बाद आप रूफ पे जाके छत पे जाके आप देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या है मुख्तलिफ चीजों का आपस में, फिर उसके बाद आप इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं कि लेबोरेटरी की कैपेबिलिटी क्या है, क्या बना सकती है नहीं बना सकती, और फिर आप उसको डेटा को देखते हैं कि डेटा क्या है, उसको डिजाइन डिसीजंस कितने मुश्किल हैं, और उसका अगर वो ये नहीं करेंगे कुछ और क्या करेंगे, उसके क्या ट्रेड ऑफ्स होंगे, ये चीज आप एक नए प्रोडक्ट बनाने के लिए भी कर सकते हैं, यही चीज आप वो भी कर सकते हैं सर्विस के लिए। ठीक हो गया, सर रूफ पे जाके देखें कि नहीं समझ आई। अच्छा जी, रूफ पे क्या है, मैं इसकी ना कोई एग्जांपल ढूंढता हूं आपके लिए और मैं कल आपको उसकी कोई एग्जांपल भी दिखा दूंगा, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट की कल मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूंगा। अच्छा, आपको ये समझ आइए कि क्या करना चाहिए कंट्रोल फेज में और क्या करना नहीं चाहिए। क्या ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं कोई मुझे बता सकता है जो करने चाहिए आपको, वो क्या चीजें थी? हाँ जी बताएं। अच्छा हाँ, 1 to 5 नीड एनालिसिस। अच्छा, ये आप FMEA बता रहे हैं या सिंप्लीफाइड FMEA बता रहे हैं? आप उसके बारे में बात करें कि जो क्वालिटी फेज कंट्रोल का जो फेज है उसमें कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमने कहा था कि डूज हैं और कौन से डोंट्स हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट को इम्प्रूव करना है, बिल्कुल डॉक्यूमेंट को इम्प्रूव करना है, और वो क्लियर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और जहां पे इंसान जहां पे पॉसिबल है वो विजिबल होना चाहिए, दिखाई भी देना चाहिए। और आपको की इनपुट और प्रोसेस के मेजर्स प्रिडिक्ट करने के लिए आउटपुट के मेजर्स को भी देखने चाहिए, और आपको कोई ना कोई चैनल बनाना चाहिए कि आपका कस्टमर आपको चीज बना के दे, सॉरी चीज का फीडबैक दे। और जो नहीं करने चाहिए वो फाइल करके डॉक्यूमेंट को दूर नहीं रखना। जो आपने एक्सपेक्ट करना है कि आपने एक्सपेक्ट करना है कि आपके जो आपने ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि आपके जो अजम्पशंस हैं वो सच साबित होंगे कंट्रोल फेज में, और प्रोसेस का जो मैप बनाया ना वो भूलना नहीं है। यानी क्या नहीं करना, आपने प्रोसेस डॉक्यूमेंट बना के पढ़ा नहीं करना, आपने एक्सपेक्ट ये नहीं करना कि जो आपके अजम्पशंस हैं वो सच होंगे, हो सकता है वो सच ना हो, और आपने प्रोसेस
मैप बना के फेंकना नहीं है। और क्या करना है आपने, आपने डॉक्यूमेंट करना है अपने प्रोसेस को, छोटा बनाना है, आसान बनाना है, और अगर हो सके तो वो विजुअल हो, तस्वीरों में हो। बिल्कुल इजी टू एक्सेस करीब करीब हो। और आपने इनपुट्स के मैकेनिज्म बनाने, मेजरमेंट के और आउटपुट के मेजरमेंट्स के मैकेनिज्म बनाने हैं कि आप ले सकें, और कोई ना कोई फीडबैक लूप का कोई तरीका होना चाहिए। अच्छा, और हमने क्या देखा, हमने कुछ स्टेप्स के बारे में बात की थी कंट्रोल फेज के, और वो कंट्रोल फेज के स्टेप्स जो थे वो डिसिप्लिन थी, डॉक्यूमेंटिंग इम्प्रूवमेंट थी, कीप स्कोरिंग थी, फिर नेक्स्ट फेज पे जाने का तरीका था, इजी वर्डिंग क्लब्स और सेलिब्रेट। बिल्कुल आखिर में सेलिब्रेट करना बहुत लाजमी है। अच्छा, आप लोगों का ख्याल क्या है कि सेलिब्रेट क्यों कहते हैं, हर फेज पे आखिर में सेलिब्रेट करना क्यों जरूरी है? हमने ऐसी क्या चीज पढ़ी थी जिसकी वजह से सेलिब्रेट करने की जरूरत है? बिल्कुल वीडियो डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं अगर आसान हो तो, अगर वो वीडियो आसान हो, अगर वो वीडियो वीडियो डॉक्यूमेंट बन सकता है, अगर वो वीडियो डॉक्यूमेंट बहुत छोटी हो और बड़े आसानी से देख सकता हो, मैकेनिज्म हो। बिल्कुल मोटिवेशन के लिए हमने सेलिब्रेट करना है, मोटिवेशन के लिए, और एक और चीज के लिए भी करना है, चेंज मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन ऑफ सक्सेस भी एक चीज थी, और लोगों को पता हो कि ये चीज ठीक है, उसलिए आपने सेलिब्रेट करना, लोगों को ढोल धमक्का मारना थोड़ा सा, लोगों को पता चले। हमने एक बात कही थी सेलिब्रेट क्विक विन्स, ठीक है, हमने सेलिब्रेट क्विक विन्स बाकी थी। और हाँ, प्रोजेक्ट टीम भी है, बिल्कुल रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट टीम, वो भी आपने करना है। बिल्कुल शो रिस्पेक्ट, मोटिवेशन। उसके बाद हमने जब डॉक्यूमेंट की बात की थी तो हमने कहा था आसान बनाओ उसको, अप्रोचेबल बनाओ, अप्रिशिएट करो लोगों के मसले और दूर ना रखो प्रोसेस को, और नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले करंट प्रोसेस मैप बना लो, एक्शन अलार्म्स बना लो, अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो अलार्म खुद ही बच जाए, कोई फिक्स करने का तो मैकेनिज्म बना लो, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का प्लान बना लो। ठीक है, और कोई चीज, कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आया आज, कोई ऐसी चीज जो आपको, अच्छा इस वक्त मेरा एक सवाल है आप लोगों में से, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट जनरली उस वक्त बनाते हैं, ये करते हैं उस वक्त, ये डिफाइंड फॉर सिक्स सिग्मा के लिए होता है, जब आपके पास एक पहले से चीज होती नहीं है तब बनाते हैं, करते हैं ये, क्योंकि हम इसमें प्रज्यूम कर रहे होते हैं कि डीमैक के लिए नहीं है, ये डिफाइंड फॉर सिक्स सिग्मा के लिए होता है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट।
हम प्रज्यूम कर रहे हैं कि ऐसी चीज बनी ही नहीं है, पहली दफा चीज बन रही है। बिल्कुल, प्रेजेंट करना है आपने मैनेजमेंट के सामने। चलें, अच्छी बात है, आप अगर सुबह देख लेंगे तो बहुत अच्छा। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप में से कितने लोग हैं इस वक्त, 48 लोग देख रहे हैं मुझे, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने टोटली अब तक सारे के सारे वीडियोस देख ली हुई हैं? अच्छा, एक मी मेराब है, सारे वीडियोस देख लिए हैं, और कोई स्टूडेंट ने भी देख लिए हैं? गुड। या जफर अली खान, आप प्लीज सारे वीडियो देखें तो आपको बेसिकली फिर सही समझ आएगी। अच्छा, एक 2 दिन, अतीक अहमद, अतीक भाई, आपने 2 दिन आपने मिस किए हैं। अतीक भाई, आपको ये 2 दिन देखने पड़ेंगे। अच्छा, असाइनमेंट जो एग्जाम है ना, मंडे को, सॉरी फ्राइडे को मैं आप लोगों के लिए एग्जाम बना के, बल्कि मंडे से पहले, सॉरी फ्राइडे से पहले मोस्ट प्रॉब्ली मेरा एग्जाम बन चुका। मेरी नियत ये है कि मैं आखिरी जो सेशन है ना, मेरा एक दोस्त है उसकी कंपनी में जाके करूं, और वहां बैठ के मैं एग्जाम भी बना लूं। बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट होगा उसमें, आपको शायद कायदे आजम की या जिना की आपको तस्वीर नजर आएगी पीछे, डिपेंडिंग को मैं किधर बैठा हुआ हूँ। अगर मैं उधर बैठा तो वहां बैठ के बनाऊं, वहां पे आपको कराऊं, और उसमें मैं असाइन आपको एग्जाम दूंगा फ्राइडे को। आपके लिए एक टाइम फ्रेम रख लेंगे, आपके लिए एक टाइम फ्रेम रख लेंगे। आयशा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको मैं कब करूंगा, मैं आपको फ्राइडे को दे दूं, आप चाहे सैटरडे को कर लें, आप चाहे संडे को कर लें, आपको कौन कह रहा है कि आप उसी वक्त बैठ के करें रात को 11:30 बजे? मगर मैं आपको ये जरूर बता दूंगा, हाँ मैं आपको ये जरूर बता दूंगा कि कल जो हमारा सेशन होगा ना, कल हमारे सेशन में के बाद, और अगर आपने सारे सेशन देख लिया ना, बिल्कुल फ्राइडे 15 जनवरी 2021, लीन अकाउंटिंग बेसिकली अकाउंटिंग का तेज तरीका है, बेसिकली स्पीड है, किसी भी चीज में स्पीड आ जाए। नहीं, पेपर देखिए, मैंने आपको सामने तो बिठाना नहीं है, देखिए आप लोगों को मैंने सामने तो बिठाना नहीं है, आपको मैंने गूगल डॉक्स पे चीज चढ़ा देनी है, जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन थी, जैसे रजिस्ट्रेशन थी उस तरीके से मैं गूगल डॉक्स पे डाल दूंगा आपको। मैं 2 दिन दे दूंगा, 3 दिन दे दूंगा, जितने आप कहते हैं कि इतने दिन चाहिए, उसके बाद आप जो जिस जिस वक्त एग्जाम अपने कन्वीनियंस से जो करना चाहेगा वो कर लेगा एग्जाम। बिल्कुल आसान तरीन चीज होगी, मल्टीपल, मेरी कोशिश होगी मल्टीपल चॉइस होगी, इस मैं वो नहीं है, टेस्ट ऑफ मेमोरी नहीं है, टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। और मैं आपको वैसे बता सकता हूं कि देखें राफिया, आप अपने घर में बैठे हुए तो आपको मैं रोक तो नहीं सकता किताब खोलने से, वीडियो खोलने से। तो जारी बात है, आप मकसद देखें, मकसद ये है कि आपको समझ आई है कि नहीं आई है, मकसद ये नहीं है कि आपको याद है कि नहीं है। अगर आप में ये काबिलियत है कि आप
सवाल का जवाब ढूंढ के स्लाइड्स में से ढूंढ के भी अगर आप दे सकती हैं तो वो भी बहुत है। तो बेसिक लेवल है ना। हाँ जी आप कर लेना मोहम्मद रफीक, आपको एक दिन मिल जाएगा आपको कोर्स का, आप एक दिन रिवाइज करना, आप एक दिन लें, आप सैटरडे को रिवाइज करें, संडे को कर लें। हाँ अच्छा गूगल क्लासरूम, हाँ वैसे गूगल मीट हो सकता है मगर मैं आई एम नॉट गोइंग टू डू इट लाइक दैट कासिम, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट लाइक दैट। आई एम गोइंग टू गिव इट आपको, मैंने सोचा ये है कि मैं आपको एक गूगल डॉक्स में गूगल डॉक्स पे मैं सिंपल क्वेश्चन बना लूंगा और उस सिंपल क्वेश्चन से आपको वो आंसर्स अब दे देंगे आप, तो मैं असेस कर लूंगा। मेरा ख्याल है कि डिपेंडिंग कि कितने लोग एग्जाम देते हैं ये तो मुझे उस वक्त पता चलेगा कि कितने लोग एग्जाम देते हैं। सर्टिफिकेट आपका जब एग्जाम दे देंगे तो सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा डिजिटली। आपका जो ईमेल एड्रेस आपने दिया हुआ होगा मुझे, जब एग्जाम पास करने के बाद एग्जाम जब होगा ना तो उस वक्त मैं एक सबका ईमेल एड्रेस लूंगा, एग्जाम के डॉक्यूमेंट का जो लिंक होगा ईमेल एड्रेस लूंगा और आपसे ये पूछूंगा कि आपका नाम एग्जैक्टली कौन सा होगा, नाम क्या चाहते हैं कि वो उसके ऊपर प्रिंट हो। अब ऑब्वियसली मैं अब सिंपल डिंपल तो नहीं मैं प्रिंट करूंगा ना, अनलेस कि वाकई आपका सिंपल डिंपल नाम है। तो क्योंकि जो आपने नाम लिखा होगा ना रजिस्टर करते हुए वही नाम आपका उसमें आ जाएगा। बिल्कुल एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और वो बेसिकली आपको जैसे फर्ज करें आपको कह देंगे कि वॉइस ऑफ कस्टमर के बारे में बता देंगे। जैसे मैं एक डेफिनेशन है मेरे पास कि आफ्टर एग्जाम एक 10 मिनट वीडियो सेलिब्रेशन की, चलें जी सेलिब्रेशन की भी कर लेंगे बल्कि हम स्ट्रीम में बुला लेंगे आपको। फेसबुक ग्रुप में शेयर करेंगे आज वाली प्रेजेंटेशन, आज वाली प्रेजेंटेशन भी है भाई आपको, जो आज को जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया है गूगल डॉक्स में जो ग्रुप में भी है, फेसबुक ग्रुप में भी उसका लिंक है। और मैं आप लोगों को एक दफा दोबारा इसमें भी कर लेता हूं, इसमें भी कर लेता हूं, ये आ गया आपके। ठीक है आपको गूगल डॉक्स का आ गया, क्या कहते हैं एक यहां पे पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है और उस प्रेजेंटेशन में आज की स्लाइड्स भी हैं। ठीक है और
मैं आपको एक बात बता दूं, कल के बाद आपने कहना है कि हम तो जुमे को ही कर लेंगे या हम सैटरडे को कर लेंगे। हाँ पीडीएफ है। हाँ ड्रॉप बॉक्स है, ड्रॉप बॉक्स में पीडीएफ है। बाबर भाई भी आ गए। वालेकुम अली भाई, सलाम अलैकुम जनाब। सलाम। मजेदार सेशन रहा आज आपका। चले जी, बड़ी मेहरबानी। तो खत्म मैंने हो एक गया या बस तकरीबन खत्म ही है, रहता है? अच्छा, हमने जबरदस्त। एंडिंग करनी है। जो मैंने सवाल करने थे वो सवाल कर लिए हैं, और कल जो है वो सारे का सारा रिवाइज होगा। अच्छा, वो अच्छा एक्सेल में, एक्सेल शीट जो है वो मैं ड्रॉप बॉक्स में डाल दूंगा, बल्कि मैं ड्रॉप बॉक्स में देखता हूँ अभी, शायद मैं डाल सकूँ। तो अच्छा तो अभी ये बताएं कि एक्टिविटी क्या चल रही है अभी? कल आपने सारा रिवाइज करना है। दैट्स कल सारा रिवाइज करेंगे, नाइस, दैट्स नाइस। कल हमारा सारा का सारा रिवाइज होगा। और रिवाइज में अच्छा तो हिशाम भाई को मैंने मैसेज किया, ही सेट के वेट फॉर मी, मैं आ रहा हूँ। अच्छा सही है। अच्छा, वाउचर भरा सलाम। कमेंट्स मजे के आते हैं। चले जी, आप दोस्तों का प्यार है। तो अच्छा सर जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो हमने डिस्कस किया था, आपने देखा है डेवऑप्स के साइकिल में भी जो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो लीन के साथ काफी ज्यादा मिलता जुलता है, उसी तरह प्रोडक्ट डिजाइन और बिल्कुल इस तरह की चीजें आती हैं। तो हमें एक आईटी का एक इस तरह का सेशन इकट्ठे करने की जरूरत है। बिल्कुल कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि बल्कि पहले आपने हम शायद ये हम आपस में बात भी कर लेंगे, हम उसको कर लेते हैं, लीन आईटी कर लेते हैं। जरूरी है ना, जरूरी है, क्योंकि काफी काम की चीजें हैं जो इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा, जो वाउचर का वजीर आजम शहजादे दिलों का जो वजीर आजम तो देखा है मैंने, दिलों का वजीर आजम तो देखा है मैंने, फेसबुक का ना, वजीर आजम भी देखा हुआ है, ये वाउचर वाउचर का वजीर आजम नहीं देखा मैंने। का। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। सो हाँ बिल्कुल, हम मैं कर ये लेंगे, हम लीन उसको हम आपस में एजाइल में उसको हम मिलाएंगे, दोनों को आपस में एजाइल वाले चीज को और उसके साथ मिला लेंगे आपस में लीन को। ठीक है, ताकि उसमें क्लैरिटी आ जाए ना स्टूडेंट्स को भी, हम देखने सुनने वालों को, कि क्या फायदा है उसके अंदर। चले, सही जबरदस्त है। हो गया जनाब। हिशाम साहब बस आ रहे हैं, हिशाम साहब हाँ ने कहा कि मैं कुछ क्लाइंट्स के साथ अच्छा, हूँ। मैं वैसे आप लोगों को एक बात बता दूं, मोहम्मद रफीक साहब, आई एम नॉट एलिजिबल टू रन फॉर इलेक्शन इन पाकिस्तान, मैं अच्छा, वो वजीर आजम नहीं क्यों? बन सकता, मैं आई एम ब्रिटिश बर्थ, ब्रिटिश बॉर्न। अच्छा, भाई जानो कदरदानो। जी। अच्छा जी, तुसी भाई आपकी जो मनोरंजन थे वो खत्म हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कल रिवाइज करेंगे हम। अब आप इनको कल रिवाइज करेंगे। अच्छा, दोनों की बगैर पूछे हुए, दोस्तों बगैर पूछे हुए मैं मस्ती करने लगा हूं तो ये स्ट्रीम जो है वो लंबी जाएगी, 11:30 हुए हैं लेकिन लंबी जाएगी। मैं ये चाहता हूं कि हम इन दोनों को सामने रख के आप लोगों को स्क्रीन में ले आएं और इनसे सवाल, बस ओ, ये फैसला अदालत ने, ये फैसला दिया। तो तुसी साहब जो आप अदालत का इन, हुक्म।
इनवाइट पे क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे और आप अपनी चैट पे पेस्ट कर रहे हैं, खबरदार मेरे से कुछ सवाल पूछा, फाइवर मेरा रैंक नहीं हो रहा, मैं फाइवर नो ना हो। तो बात हो रही है लीन सिक्स सिग्मा की, बात हो रही है लिनक्स की, दोनों आपके उस्तादजा आपके सामने स्क्रीन पे हाजिर हैं। ये घंटा एक्सटेंड हो गई, दोनों में से इंस्ट्रक्टर्स में से किसी को कोई इतराज? सर मुझे तो कोई इतराज नहीं, मुझे ठंड लग रही है बस, मैं कोई इस तरह की हरकतें करूंगा तो आप पहने ना टोपी। तो आ जाओ जी, जरा इन दोनों से सवालात में देखना चाहता हूँ किस तरह के होंगे, और पूछें अपने सवालात जिस तरह के पूछने, लेकिन इन दोनों इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड सवालात होने चाहिए। दिस इज योर चांस टू गेट इन टच विद योर टीचर्स। आपको एक सुनहरी मौका, गोल्डन चांस दे रहा हूं कि आप अपने टीचर्स के साथ गेट इन टच हो जाएं और आप इनसे सवाल पूछें, जो भी आपकी लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट से रिलेटेड सवाल, या असाइनमेंट से रिलेटेड सवाल, या फिर आप लिनक्स से रिलेटेड सवाल। आपने चैट पे अब नहीं लिखना, अब आप स्क्रीन पे आ रहे हैं। अगर आप खातून हैं तो आप अपना कैमरा बेशक ऊपर की तरफ रखें या कैमरा ना ऑन करें, लेकिन अब आप स्क्रीन पे आ रही हैं। लिंक आपके लिए तुसी साहब ने यूट्यूब की चैट पे लिख दिया है। ते आ वंजो ते छा वंजो। मैं उतनी देर अपनी ये जरा आई ड्रॉप लगाऊं, मैं जरा स्क्रीन से एक सेकंड निकल लूं। अच्छा, फीमेल्स को हम कह देते हैं कि आप अगर फीमेल्स अक्सर नहीं आना चाहती वीडियोस पे, मगर हम बेसिकली एक्सपेक्ट करते हैं कि मेल्स तो वीडियो पे आ जाते हैं खुद। उसमें ये है ना, मैं एक सेकेंड आंख पे दवाई लगाई है। खवातीन को कहें कि, क्योंकि मैं, मुझे याद आया कि आपकी तो इतनी इन्फ्लक्स नहीं होगी, मैं तो अपने लिए ये करता हूँ क्योंकि इतनी तेजी से चैट चलती है ना, जब मैं ये कहता हूँ तो मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, लॉजिकली नहीं पढ़ सकता, ह्यूमनली नहीं पढ़ सकता। आपके केस में खवातीन जो हैं वो लिख सकती हैं, और जो मर्द हजरात हैं वो आ जाएं स्क्रीन पे, तशरीफ लाएं यार, कोई मसला नहीं है। अगर आप कैमरा नहीं भी ऑन करते तो कोई मसला नहीं, आए और बस लॉजिकल सवाल पूछें ताकि आपको जवाब मिल जाए, कोई मसला नहीं, आ जाए जी। तो उसी साहब एक्सेप्ट करें, थैंक यू भी कर लें थैंक यू बल्कि करें, और तुसी साहब को मिठाई भेजें और बाबर साहब को वाउचर। ओके किन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है? मेरा बैकग्राउंड है कि मैंने स्टैट्स और मैथ्स में ग्रेजुएशन की थी, लेकिन बहुत साल पहले 2000 में। लेकिन मैं दोबारा कम बैक किया है थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ, तो आई एम 43 हैविंग 3 चिल्ड्रन, तो मेरे लिए किस तरह हेल्पफुल हो सकता है ये? अच्छा, आप काम करते हैं? नहीं, मैं काम नहीं करती, मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। आपके लिए, आपने जो स्टैट्स और मैथ्स पढ़ी है ना, आपके स्टैट्स और मैथ्स को इस्तेमाल करने का तरीका आपको बेहतर आ जाएगा, आपको प्रोफेशनल उसमें आप किसी इंप्रूवमेंट के ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप ये लीन सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट का तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको जरूरी है कि जॉब मिले, मगर पता ग्रीन बेल्ट पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा आयशा, आप आए हैं मगर आपका वो है क्या कहते हैं, तो सर मुझे वो रिवाइज सारा करना पड़ेगा क्योंकि जी क्योंकि सर मैं तो सब भूल भाल गई हूँ, इतने सारा गैप आ गया ना मेरे स्टैट्स में, मैंने किया हुआ जरूर है, तो मुझे वो सारा रिफ्रेश करना पड़ेगा या बस मैं जो आप करवा रहे हैं उसके साथ साथ ही कंटिन्यू करूँ? देखें, मैं जो करवाऊंगा उससे आपको हेल्प मिलेगी, परफॉर्म करने के लिए, मगर आपके कुछ बेसिक चीजें तो होंगी जो कि आपको अपनी सब्जेक्ट की आनी चाहिए। आप शायद बाकियों से बेहतर तरीके से कर सकेंगे क्योंकि लीन सिक्स सिग्मा, क्योंकि आपको मैथ्स की को बेसिस तो पता है, आपको सीखना जल्दी, आपको सीख जल्दी जाएगी, ये आपको फर्क पड़ेगा जी अगर आप ये काम करेंगे।
अब तो आपको सर फिर गैस इसके बाद यहां से हाँ सीखने के बाद हम कोई इन टच रहेंगे आप लोगों से? एक ग्रुप बना हुआ है, फेसबुक का ग्रुप बना हुआ है, लर्न सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट विद मोहम्मद अली तुसी। उस तरीके से आप इन टच रह सकते हैं, ओके बिल्कुल थैंक रह सकते हैं। यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा, वाउचर वाली वाउचर को सलाम कोई है बंदा, वो आया हुआ है और ये स्टूडेंट है। और आयशा आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है तो मैं आपको स्ट्रीम पे नहीं लेके आ सकता। अच्छा आप जी, वाउचर वाउचर को वाली सलाम। सरकार का वाउचर को वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह अकबर। ये मेरे ख्याल से स्टूडेंट है। मुझे नहीं पता कि नाम इनका नहीं आ रहा। नहीं, ये क्योंकि वाउचर वाली सरकार वाउचर को सलाम जो है ना, वो स्टूडेंट ने मैसेज किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट है। कासिम है, कासिम, कासिम अली। तो चले सर, और लोगों को ऐड करते जाएं, कुछ और अगर लाइन जो में है आएगा तो। उसको ऐड करूंगा। वो आयशा ऐड हुई है, मगर आयशा जो है उसका डिवाइस जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ हुआ, तो वो जब डिवाइस कनेक्ट सर होगा तो मेरा फिर हम आप उसको। तीनों से एक सवाल है। जी सर बिल्कुल मेरा पूछें। सवाल यही है कि अगर जैसे मैं काम करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? हाउ टू स्टार्ट, क्या करूँ मैं सबसे पहले? और मैं 9 to 5 अच्छा जॉब नहीं कर सकती, हैविंग 3 children, तो मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती। इसका जवाब प्रोजेक्ट मेरे बेस्ड पास है। जॉब मेरे जहन में थी, मैंने फ्रीलांसिंग का जो पेज है सर शाम का फेसबुक पे देखकर, इसीलिए जी सर मैंने आपका जो पेज था ना फ्रीलांसिंग का, वो यही सोच के किया था कि जैसे रात में आपके बात पास क्यों फारिक म्यूट टाइम करो, होता है, बच्चे बच्चों से बाकी फारिग हो म्यूट चुके करो। होते हैं आप। नादिया मोहम्मद राजे कासिम माइक ऑफ कर आपका दें आप। जवाब ये है कि आप कंटेंट राइटिंग सीखें और कंटेंट राइटिंग सीख के एज अ फ्रीलांसर काम करें, बस ये जवाब है। वालेकुम सर अस्सलाम आजाद कंटेंट साहब। कंटेंट राइटिंग कहाँ से सीखूं? सीख रहे हैं, कंटेंट राइटिंग भी कुछ सीखने की चीज है। जिसने स्टैट्स बैचलर्स मिनिमम एजुकेशन हासिल की है, 2 दिन लगते हैं टोटल, सिर्फ समझें, ब्लॉग्स को पढ़ें, आपको समझ लग जाएगी। आई एम श्योर यू आर स्मार्ट इनफ, तो उसके बाद लिखना स्टार्ट करें। ओके अच्छा सर, आयशा, आप ओके कोशिश कर थैंक रहे यू हैं सर। आने की, मगर अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपको मैं इसलिए नहीं लेके आ सकता क्योंकि आपके बेसिकली डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। वो लिखा हुआ आ रहा है कैन नॉट कनेक्ट क्योंकि डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, कि ऐड नहीं कर सकते आपको स्ट्रीम में। अच्छा चले आगे चले ना, और भी कोई है अच्छा पूछ। जो जो आ रहा है वो उससे सवाल पूछे ना कि क्या कहना चाहोगे। अच्छा 1 मिनट, कासिम आपसे सवाल है। उससे कासिम सवाल नहीं करना, उसने आपसे सवाल करना है। उससे कहें कुछ सवाल है तो पूछे, नहीं तो चलता फिरता नजर है, सर बात खत्म। ये फिर डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। हाँ जी, किसी का कोई सवाल है? नहीं है इसका नासिर मतलब। भाई, ओ क्या हो गया खैरियत? किसी का कोई सवाल है? प्रॉब्लम वालेकुम अस्सलाम। ये फिर डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। हाँ जी, किसी का कोई सवाल है? अच्छा, जो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो अपना माइक म्यूट रखें ताकि जिस जिस के साथ हमने सवाल करने हो अनम्यूट करके करते जाएं। जी कासिम, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। कासिम आप काइंडली बताएं आपका क्या सवाल है।
उसी भाई आप माइक म्यूट कर सकते हैं, जिस जिस का माइक आप म्यूट करना चाहें कर सकते हैं, आप कर लेना जी। कासिम अब आप पूछें। कासिम आपकी आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आप अगर अपना वाईफाई रीस्टार्ट करके आए एक दफा से हमें सही समझ आए तो फिर हम बात कर सकते हैं। अली भाई ये मिस मिस नादिया है, इनसे अगर आप बात करें आप इनका माइक अनम्यूट कर लें। कासिम आप रीस्टार्ट करके दोबारा ज्वाइन करें। अच्छा मेरे अनम्यूट करने से नादिया का नहीं हो रहा, अनम्यूट नहीं हो रहा। अच्छा हो गया अनम्यूट। नादिया आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हाँ जी नादिया सवाल पूछे। जी सर मैं मेरा एक्चुअली सवाल तो कोई भी नहीं है, मैं आप लोगों का थैंक यू करने के लिए। कैन यू हियर मी? हाँ जी वी कैन हियर यू नादिया, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। जी सर मैं थैंक यू करने के लिए आप तीनों का कि ब्यूटीफुल जॉब एंड थैंक यू सो मच, वी अ लॉट फ्रॉम यू और स्टे ब्लेस्ड। चना जी बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। नासिर साहब आपकी आवाज आ रही है जनाब। अच्छा पहले तो मैं आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम शुरू किया है। आप अच्छा पहले आप उनकी सुन लें। नासिर भाई आप बोलें। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया और कौम जी नासिर भाई वो नादिया बोल रही है तो अच्छा छोड़ो। पहली चीज तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, दूसरी चीज ये है कि मैं आपका जो बाबर जहूर साहब और तोसी दोनों से मैंने बहुत कुछ और अल्लाह ताला उसका जजा देगा आप लोगों को। अच्छा दूसरी चीज ये है कि मैं आईटी का इंजीनियर हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिटायर्ड भी हूँ, यूएन से रिटायर्ड हुआ हूँ और इस वक्त मैं वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। और नासिर भाई आपकी आवाज आ रही है, आप जारी रखें। थैंक यू। दूसरी चीज ये है कि मैंने कभी मुझे जिंदगी में मौका नहीं मिला लिग्मा सिग्मा सिक्स और लिनक्स का, तो इस वक्त मैं लिनक्स जो है यूबिटो वो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना चाहते हैं और मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। मैं इस वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में असेसमेंट कर रहा हूँ बांग्लादेश की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को मॉडर्नाइज करने के लिए, तो मुझे बहुत फायदा हुआ है और मैं आपका एहसान मंद हूँ कि आप लोगों ने जो है ना इतनी मतलब के चीजें दी जो मैं समझ रहा हूँ और मुझे खुशी हो रही है। अल्लाह ताला आपको जजा दे। अल्हम्दुलिल्लाह नासिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर भाई अगर आप समझते हैं कि आपको कुछ और सपोर्ट चाहिए रिगार्डिंग दिस इम्पोर्टेंट टास्क, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ग्रुप ज्वाइन करें फेसबुक का, मेरा ग्रुप भी, अली भाई का ग्रुप भी, और उसके अंदर जो है अगर कुछ सवाल होते हैं कुछ इस तरह की चीजें डिस्कशन। एक चीज ये है कि मैं ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है और आजकल मैं डिजाइनिंग कर रहा हूँ मॉडर्नाइज करना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बांग्लादेश। मैं यूएन से रिटायर हूँ डब्ल्यूएमओ से और वहाँ पर जो है मॉडर्नाइज करने की मुझे यू वुड नो की पहले बिल्कुल मेरे पास नॉलेज नहीं थी और सिक्स सिग्मा के बारे में भी मुझे मैं भतीजे ने भांजे ने बताया था कि उसको सीखे, लेकिन पहली दफा जिंदगी में मुझे इतना अच्छे मतलब के
आप लोगों के लेक्चर्स मिले कि मैं आप लोगों को कैसे शुक्रिया अदा करूं। अगर कुछ सवाल होते हैं कुछ इस तरह की चीजें, और मेरे लाइफ में मेरे काम हो मैं हाजिर हूँ हर वक्त। चले माशाल्लाह नासिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और खुशी हुई ये सुन के कि आप एक बड़ा काम कर रहे हैं और आपको ये चीज़ें फायदेमंद हुई हैं। यही हमारा मकसद था, अली भाई का भी, मेरा और हम दोनों का यही मकसद था, और हिशाम साहब का भी यही मकसद है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नासिर भाई। आप सरोश, आपको अनम्यूट कर लेता हूँ मैं। सरोश आप क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम, बिल्कुल क्लियर आ रही है। सबसे पहले तो आप तीनों गुरुज का बहुत शुक्रिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ के बारे में पता था, मेरा एक दोस्त है उसने मुझे बताया कि ये लाइव सेशन चल रहा है। बेसिकली मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूँ, तो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से, बेसिकली 4 साल से। तो मैंने पहले इस किस्म की कोई ट्रेनिंग या कोई सेशन नहीं अटेंड किया, तो मेरे दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया था कि हमें ये सेशन देखना चाहिए। बेसिकली वो मेरा जूनियर है, मेरे साथ ही कोलीग है इस टाइम। तो बहुत अच्छा लगा ये सेशन सुन के, माशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव था। अब मेरे अंदर एक थोड़ी लस्ट पैदा हो गई है कि मुझे ग्रीन बेल्ट ब्लैक बेल्ट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी क्लैरिटी मुझे हुई है चीज़ों में, इसमें लीन और सिक्स सिग्मा को कैसे हम इंटरलिंक कर सकते हैं और इनको साथ साथ लेके कैसे चल सकते हैं। लीन के टूल्स हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने पास, जिसमें 5S हो गए, जो बेसिक टूल्स होते हैं वो हम लोग अपने जॉब फ्लोर के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की ट्राई कर रहे हैं और कर रहे हैं काफ़ी हद तक चीज़ें। और हम लोगों ने जो एक हमारा जर्मन था GIZ, बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर भी हमने अपने कंपनी को रिप्रेजेंट किया है और बड़ा अच्छा उसमें भी लर्निंग थी। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी हुई है, बहुत इंफॉर्मेटिव मेरे लिए सेशन था ये। और उसमें अब मैं आगे मजीद जो सिक्स सिग्मा जो है वो हमारा टोटली कंसेप्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी इसके बारे में किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो अब इसको स्टार्ट लेने के लिए मुझे सबसे पहले तो अपने टॉप मैनेजमेंट को लूप में लेना पड़ेगा, जो कि हमने भी चीज़ें इसमें सीखी हैं, और टीम बिल्डिंग अच्छा। करनी पड़ेगी। सरोश में से एक सवाल, आप काम किधर करते हैं? जी सर, कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? सर स्पोर्ट्स है, हम बेसिकली स्पोर्ट्स है। जी स्पोर्ट्स वेयर। आप सियालकोट में? जी सियालकोट में। सही है, ठीक है। मैंने एक ट्रेनिंग कराई हुई है अली ट्रेडिंग में। अली ट्रेडिंग में मेरे जानने वाले हैं लोग, निशान साहब। हां मैंने उधर ट्रेनिंग कराई हुई है। सही सही, ठीक है। तो इसमें जो है अब थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दे कि मैं इसको खुद से कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ कंपनी के अंदर, अगर मैं इन टेक्निक्स को डिमाइक को स्टार्ट करना चाहूँ किसी इम्प्रूवमेंट को लेके, किसी मिनी प्रोजेक्ट को लेके। आपको बेसिकली जो स्टार्ट करना चाहिए, आप मेरी प्लेलिस्ट में गए हैं यूट्यूब के? हाँ जी, प्लेलिस्ट में ये लीन वाली प्लेलिस्ट मैंने चेक की है, आपके सारे सेशंस लिए हैं। हाँ, लीन सिक्स सिग्मा के प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है। ठीक है, इसमें आपके पास एक मिनट, मैं जरा देख लूं मैंने कौन कौन से। एक तो बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग लीन सिक्स सिग्मा, ठीक है, इसके वीडियोस में से कुछ चीजें निकाल लें जो आप डिप्लॉयमेंट के लिए आपको बताने की जरूरत है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। और दूसरा इसमें आप देख लें कि एरर्स एग्जीक्यूटिव मेक वाइल इम्प्लीमेंटिंग लीन मैनेजमेंट, ये देख लें। प्रैक्टिकल लीन लीडरशिप, ये जरूर देखें। ओके, ये देखने के बाद आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, ठीक है, और अपने ऑर्गेनाइजेशन वालों को कहें कि ये हम समझते हैं कि इस तरीके से हमें करने की जरूरत है, और उनका बायन लें। अगर तो आप उनका बायन लेते हैं और ये काम करते हैं तो फिर ये काम आपके वाकई हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप बाय इन कर, आप नहीं मिलती आपको बाय इन, तो फिर प्रॉब्लम होगा। जी बिल्कुल। तो बेसिकली टॉप मैनेजमेंट को कन्विंस करना बड़ा इशू है। सबसे पहले तो इशू ये हो जाता है, दूसरा फिर टीम बिल्डिंग का इशू हो जाता है। लाइक कोलीग समटाइम आपके साथ नहीं रेडी होते कि नहीं अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे, या थोड़ी देर तक बात करेंगे,
ये चीजें भी आ जाती हैं, हर्डल्स काफी आ जाती हैं इस चीज पर। अब ये जो हर्डल्स वाली जो चीजें है ना आपकी, आप मेरे चेंज मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है? आपको चाहिए कि आप मेरे चेंज मैनेजमेंट की जो प्लेलिस्ट है ना वो भी देख लें, ठीक है? और एक मिनट में अपने चेंज मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में एक मिनट जा के देखता हूँ कि कौन से वीडियो देखनी चाहिए उसमें जो आपको फायदा देंगी। एक तो आपको सोशल साइकोलॉजी चेंज मैनेजमेंट देख लें, ठीक है? और एक आपको रेजिस्टेंस टू चेंज वाली देख लें, और चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस को देख लें, प्रैक्टिकल लीन लीडरशिप देख लें। ये आप जरूर देखें तो आपको किसी थोड़ी सी हद तक आ जाएगी, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा चेंज मैनेजमेंट का। बल्कि आप कहते हैं तो हम एक चेंज मैनेजमेंट के ऊपर भी इसी किस्म का एक सेशन कर लेते हैं, इसी किस्म का एक कोर्स कर लेते हैं 2 घंटे का या 4 घंटे का, जिसमें हम सिर्फ चेंज मैनेजमेंट की बात करें। क्योंकि आपके प्रॉब्लम है, आपके पास 2 प्रॉब्लम है आपके, एक तो प्रॉब्लम है कि क्या करना है और कैसे करना है, लोगों को लेके कैसे चलना है, ये 2 प्रॉब्लम्स हैं आपके बेसिकली सर, सॉल्व होंगी चेंज मैनेजमेंट से। पाकिस्तानी कल्चर में क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों को ज्यादा टॉप मैनेजमेंट में, तो लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आपके टीम में बिल्कुल वो भी कैपेबल नहीं होते, आपके जो पैरेलल चल रहे होते हैं। उसकी वजह ये है, हाँ जी, उसकी वजह ये होती है कि हमने जब कन्विंस करना है लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और वो जो कन्विंस नहीं होते उसकी, जब हम रीजन फॉर रेजिस्टेंस टू चेंज के अंदर जाते हैं ना, तो हमें समझ आ जाता है कि लोग जो रेजिस्ट करते हैं वो क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं। इनहेरेंटली कोई ऐसा नहीं होता जो कि ये सोचता है कि नहीं मैंने नहीं करना, कोई वजह होती है जिसकी वजह से, कोई हिस्टोरिकल रीजन होती है। आपने और आपने बात भी उस तरीके से करनी है जो उसकी जुबान में है। जैसे मैं, अगर मेरी कोशिश ये थी कि मैं उर्दू में आसान तरीके से समझा सकूं लोगों को, लैंग्वेज बैरियर, तो और जबकि मैं हिशाम को मैं बड़ा क्लियरली एक बात कह रहा था कि यार मेरा ख्याल है कि मेरी जो ऑडियंस है और आपकी जो ऑडियंस है वो मुख्तलिफ है, तो मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि ये जब काम होगा तो उस वक्त लोग रिएक्ट कैसे करेंगे लीन सिक्स सिग्मा की ट्रेनिंग पे। मगर एक ये बात भी सही है, हिशाम की बात सही है, कि अगर आप चाहते हो कि मैसेज को पता चल जाए, लोगों को पता चल जाए, लोग सीख जाएं, तो ये डिजिटल मीडिया इज द बेस्ट मीडियम टू एक्चुअली स्प्रेड इट एज मच एज पॉसिबल। तो आपको समझने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है, और वो फ्रेमवर्क, चेंज मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क देखने की जरूरत है कि आप कन्विंस कैसे करें, तो वो आपको किसी तरीके से सिखा देंगे जो आपको हेल्प करेगी। सरोज आप, अली भाई, जो लोग कर चुके हैं अपनी बात, जिसमें नासिर भाई हैं, मिस रफिया हैं, अगर वो काइंडली स्ट्रीम छोड़ दें ताकि कुछ नए लोग आ सकें इसके अंदर, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे। नासिर भाई, मैं आपको रिमूव कर लूं अगर आप इजाजत दें तो। मैम रफिया को भी अगर आप काइंडली, उन्होंने बात कर ली है, बात कर ली है, और आप मुझे रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू जी नासिर भाई, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल, अच्छा हुसैन, हुसैन काफी देर से हैं और मोहम्मद राजिक जो है ना, हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल सर बाबर से है कि हाउ टू अनइंस्टॉल द लाइब्रेरीज इन लिनक्स, उसके एक कमांड बता दें खाली। लाइब्रेरी कौन सी आप अनइंस्टॉल करना चाह रहे हैं सर? वो जो आपने बोला था ना ड्राइव की लाइब्रेरीज, उसमें थोड़ा मुझे थोड़ी रहने देनी है। ड्राइव जो आपने कहा था ना इरेज कर दे, ड्राइव इरेज कर दे। नहीं मैम, मैं सवाल नहीं समझा। वैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए कमांड है apt स्पेस इंस्टॉल और इन सॉफ्टवेयर का नाम, ठीक है? और अगर वो आप सुने ना, अगर आप रूट पे हैं, रूट यूजर पे हैं, तो फिर इस तरह चलेगा। अगर आप नॉर्मल यूजर पे हैं, जिसके यूजर के नाम के आखिर में डॉलर साइन आता है, डॉलर साइन तो पता है ना, तो फिर आपने sudo sudo
इंस्टॉल चलानी है कमांड। ओके सर। और जो ड्राइव का आप कह रहे हैं ना, आप ग्रुप में जरा लिखें तफसील से, अली भाई आपको जवाब देंगे, मैं दे दूंगा जवाब, लेकिन आप अपना सवाल जो है ना ग्रुप में स्क्रीनशॉट करके ना फेसबुक में तफसील से लिखें। जी सर, चला जवाब दे देंगे। अच्छा मैं अली भाई, अगर आपकी इजाजत हो, मुझे आज याद नहीं रहा कि मैं असाइनमेंट दे दूं, असाइनमेंट बहुत से दोस्तों ने नहीं देखी। असाइनमेंट ये है जनाब अली आज आपकी, कि आपको स्टेप्स लिखने हैं अपने क्लाउड फ्लेयर को साइन अप करने के। क्लाउड फ्लेयर किस तरह साइन अप होता है, उसमें डोमेन किस तरह ऐड करते हैं, और उसके बाद जो है सी पैनल की होस्टिंग के साथ आप किस तरह लेके चलेंगे। ये 3-4 स्टेप्स हैं, आपने लिख के भेजने हैं हमें असाइनमेंट्स में, ठीक है। और कोई इसमें मसला नहीं, अगर आपकी असाइनमेंट थोड़ी सी कमजोर भी होती है तो डू सेंड मी, विल देखते हैं क्या है और फिर उस हिसाब से हम दोबारा सेशन कर लेंगे। अच्छा एसन वो कहाँ गए, मोहम्मद राजिक? मेरा एक सवाल है दोनों दोस्तों से, दोनों ट्रेनर से, फर्क पड़ा पूरा हफ्ता लगाने के बाद, हाँ या ना, तुसी और बाबर? अनम्यूट तो करें ना। दोस्तों से गुजारिश है कमेंट में लिखें फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। हाँ ये बात सही है। अच्छा कुछ लोग सवाल कर रहे थे ऊपर, तो वो सवाल का जवाब भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुसी साहब आपने पढ़ाया फर्क पड़ा मेरे पढ़ाने से मुझे? नहीं, दुनिया को आपने तो पढ़ाया ना, मैंने कहा आपको लगा कि फर्क पड़ा। सर अगर मेरे से पूछते हैं तो मेरे हिसाब से तो फर्क पड़ा है, मैं अभी थोड़ा सा एक्टिविटी देखना शुरू हो गया हूँ ग्रुप के अंदर भी, और कमेंट्स में ना कमेंट्स में फर्क तो पड़ता है, किस चीज का फर्क? कमेंट देखें तुसी भाई, कमेंट्स देखें। हेलो सर, दो मिनट सबर कीजिए, दो मिनट सबर कीजिए, फिर लेते हैं आपको, दो मिनट सबर। जी सर, ओके सर, माइक म्यूट करें। हाँ जी तुसी साहब, फर्क पड़ता है? हाँ या ना? बिल्कुल जी पड़ता है भाई, लोगों ने कहा कि वो ग्रीन बेल्ट भी करना चाहते हैं, और स्ट्रीम में काफी लोगों ने कहा कि ग्रीन बेल्ट करना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए एक शेर है जो मैंने 2018 कन्वेंशन सेंटर में LCL में पढ़ा था, और बड़ा मजेदार है। बाबर शायद उस वक्त था या नहीं था, था। तो वो शेर पता क्या था? वो शेर ये था, छोड़ दो साहब तुम्हारे बस का रोग नहीं, छोड़ दो साहब तुम्हारे बस का रोग नहीं, वो कहते हैं अब कितना बोलोगे तुम, आखिर कब तक बोलोगे तुम, इतना तो बतलाओ, तुमसे पहले भी बहुत बोला गया था। मेरा जवाब भी अब सुन लें साहब, फकत इतना बोलूंगा आज की शब, बात करो तो फर्क पड़ता है, फिर वही लोग कहते हैं तुम्हारे बारे में, क्या कमाल बोलता है, कितना अच्छा बोलता है, फर्क पड़ता है साहब बहुत फर्क पड़ता है साहब बहुत। लिटल बाय लिटल वन ट्रेवल्स फार, आप करते रहें। एक वक्त आता है कि लोग कहते हैं यार फर्क पड़ता है। तो आप दोनों को यू नो बिग थम्स अप फॉर डूइंग दिस, और आप लोगों के लिए ऑडियंस भी नहीं थी, इन लोगों के लिए भी आप दोनों इंस्ट्रक्टर्स नहीं थे ये। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक सरप्राइज चेक कराता हूं आपको, इनमें से एक ऐसा आदमी भी होगा, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, आप समझ रहे ना ये मैं लेके आया हूं, इनमें से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मुझे जानते भी नहीं है। वो कैसे? वो ऐसे कि YouTube भी खुद रिकमेंड कर रहा होता है। इनके लिए अभी मैं बिल्कुल अननोन हूं, अगर आप पूछें बाबर साहब तो शायद आपको कमेंट में जवाब मिल जाए, फिर आपको मेरा जवाब वही होगा, फर्क पड़ता है साहब, फर्क पड़ता है। पूछें जनाब, ये सवाल बड़ा अच्छा है। अच्छा जी, आप में से कौन कौन रोशनी काम? हेलो सर,
अपना तुसी भाई छापा पै गया नसो। अच्छा जी अब्दुल समद कह रहे हैं सर मैंने फर्स्ट टाइम देखा है आपको। देयर यू गो, आप लोग क्या समझ रहे थे? आप लोगों के सिर्फ सिर्फ मैंने गेम खेली है जो घुमा के आपको एक जगह पे लेके आया हूँ। यूट्यूब की दुनिया ही बड़ी अजीब सी है, बड़ी फर्क सी है। ये सिंपल डिंपल कह रही है मैं नहीं जानती थी शाम, आपके सामने लिखा हुआ मैं भी नहीं आया हूँ। और वो सरोज भैया कह रहे मैं तो आप में से किसी को नहीं जानता। That's nice. अच्छा शहबाज कह रहे हैं जी आपकी आपकी वजह से आए। शहबाज और एक और नाम है जो तो 90% तो जाहिर है मैं ही लेके आया हूँ ना। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कंटेंट, आपकी डिलीवरी, आपकी ट्रेनिंग अच्छी थी कि लोगों ने आके सीखा समझा। दिस इज एन एप्रिसिएशन फ्रॉम समवन हु हैज बीन डूइंग इट फॉर डिकेड्स नाउ। बुढ़ा हो गया मैं ये काम करते करते। अब आप लोगों को लें, उनके सवाल पूछें और नए लोगों को लेके आए। जी सरोज। हेलो सर। जी जनाब सरोज। हेलो सर, मैं मोहम्मद राजिक बोल रहा हूँ सर। मोहम्मद राजिक, ठीक है मोहम्मद राजिक सर। अस्सलाम वालेकुम सर, इंडिया से हूँ मैं सर, लखनऊ से। वालेकुम सलाम जनाब, क्या बात है, आपकी दौर तो हमसे बहुत बेहतर होगी सर। नहीं सर, मैं बेसिकली अलाहाबाद से हूँ, लखनऊ में मैं जॉब कर रहा हूँ, सर्विस कर रहा हूँ सर। सर और शाम सर को भी मैं यूट्यूब से ही सर्च कर पाया, और सर आप सर बाबर सर को भी और अली सर को भी, बट आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर लिसनिंग टू यू पीपल। खुश रहिए भैया, खुश रहिए सर। सर मेरे दो कंसर्न हैं। पहले मैं अली सर से पूछना चाहूंगा। सर आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन एन इंस्टीट्यूशन, रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। आई एम वर्किंग एज ए स्टेनोग्राफर एक्चुअली सर। सर एक्चुअली हम अपने इंस्टीट्यूशन में या मैं अपनी पोस्ट पे रहते हुए सर कैसे इसको इम्प्लीमेंट खुद पे कर सकता हूँ, और अपने ऑफिस या इंस्टीट्यूशन में इसको कैसे कर सकता हूँ? गवर्नमेंट के लिए तो अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आप शायद जब तक ऊपर से आपके आप सजेशंस दे सकते हैं सर, आप अपने सजेशंस दे सकते हैं कि सोशल वैल्यू क्या है। आप गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं, वैल्यू हम कहते हैं कि कस्टमर वैल्यू देता है, आप किसको सर्विस कर रहे हैं, उसकी सर्विस को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, और अपने सिस्टम में से अननेसेसरी बॉटलनेक्स कौन से निकाल सकते हैं। कुछ बॉटलनेक्स तो आपके रेगुलेटेड होंगे, वो तो आप नहीं निकाल सकते। कुछ बॉटलनेक्स आप जब देखोगे, एनालाइज करोगे अपने सिस्टम को, तो कुछ बॉटलनेक्स ऐसे होंगे या कुछ नॉन वैल्यू एडेड चीजें ऐसी होंगी जो कि सिस्टम का हिस्सा है मगर रेगुलेशन का हिस्सा नहीं है। जो रेगुलेशन का हिस्सा नहीं है और सिस्टम का हिस्सा है, वो तो आप रिमूव कर सकोगे। yes, या कम अज कम कोशिश कर सकोगे अगर आपको एक इनर्शिया मिल जाए अपने डिपार्टमेंट के अंदर। yes. शायद अपने यूनिट में कुछ बेहतरी ला सके। यस सर, यस सर। सर इसको खुद पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मींस अपनी वर्किंग या फिर ऑफिशियल लाइफस्टाइल या वर्किंग पे कह लें सर, अगर तो इसका कोई अगर आपके पास कोई वीडियो सजेस्ट अगर कर सकें सर, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट देखी, काफी सर्च की, लेकिन हो सकता है कुछ मैं एग्जैक्ट वीडियो तक नहीं पहुंच सका सर। अच्छा खुद पे कैसे करना है? लीन सिक्स सिग्मा बेसिकली खुद के लिए नहीं है, लीन सिक्स सिग्मा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती हैं, इंस्टीट्यूशंस के लिए होती हैं। इंस्टीट्यूशंस को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है? अगर आप खुद पे करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी जिंदगी की नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज में कौन सी चीज है जिससे आपको वैल्यू मिल रही है, कौन सी चीज है इसमें वैल्यू नहीं मिल रही, उसमें आप लीन के प्रिंसिपल्स को से आप यूज कर सकते हैं। कहाँ पे वेस्टेज आ रहा है, कहाँ पे आप उसको अपने टाइम को यूटिलाइज बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप इस आपके सोच सिर्फ यहाँ तक आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे सर। ओके सर, थैंक यू सर। यस सर। सर बाबर सर से मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं बाय फेस सर से मतलब पूछना चाहूंगा। सर मेरा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है लैंग्वेज में, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मिली आपसे लर्न करने की, तो क्योंकि मैं जैसे ऑफिस के बाद आता हूँ तो मैं अब सर दोनों लोग का सेशन देख रहा हूँ और लर्न कर रहा हूँ, तो सर मैं और फर्दर कैसे सीखूँ सर इस बूट कैंप के बाद, इस सेशन के बाद,
और मैं एक लैंग्वेज भी पर्सनली सीखना चाहता हूँ सर, जिससे कि मैं आने वाले लोगों को गाइड कर सकूँ सर। मैं एक सेटल्ड पोजीशन पे हूँ, लेकिन एक मेरा मतलब एक पैशन है ये सारी, किसको समझ लीजिए। एंड आई एम विदाउट गाइडेंस सर, मतलब विदाउट गाइडेंस था मैं अभी तक, बट आपका गाइडेंस मिला है, मतलब अच्छी बात थी सर। मोहम्मद राजिक भाई, अगर तो आप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की, तो इस वक्त सबसे आसान जो लैंग्वेज है ना वो पाइथन है, PYTHON। पाइथन बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है मार्केट में, पाइथन का फ्रेम बहुत बड़ा है। स्कोप जिसको हम कहते हैं, स्कोप का मतलब ये है कि IoT के अंदर वो इस्तेमाल हो रही है, कंप्यूटर के वेब के अंदर वो इस्तेमाल हो रही है, बैकएंड के अंदर इस्तेमाल हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इस्तेमाल हो रही है, मशीन लर्निंग के अंदर इस्तेमाल हो रही है, आपके जो बड़े प्रोसेसेस हैं उनको रन करने के लिए, ऑटोमेशन के लिए अंदर इस्तेमाल हो रही है। तो मैं ये कहूँगा कि पाइथन को आप सीखें, और अच्छी बात यह है कि पाइथन सीखना आसान है, मुश्किल नहीं। Is it user friendly sir, beginner friendly sir? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह इस एक हफ्ते में हम कोशिश कर रहे हैं ना लिनक्स की और इस तरह की चीजों की, तो पाइथन इससे हाफ टाइम में आपको स्टार्टिंग उसमें मिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जनाब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर, आई वांट योर फ्यूचर गाइडेंस आल्सो सर, फ्रॉम वेयर आई कैन एक्सेस यू सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो ग्रुप है फेसबुक पे ना उसको आप ज्वाइन करें। यस सर, आई हैव जॉइंड देयर सर। बस ठीक है, इंशाल्लाह उसी पे मैं अवेलेबल होऊंगा। बहुत बहुत मेरा तरफ से। श्याम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं सर? बहुत बहुत खुशी है, मुझे तो ये खुशी है कि मैं बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गया हूँ, बिल्कुल जो है ना वो कहते ना इक्वेशन में इररिलेवेंट हो गया, और यही मैं करने आया था। हैट्स ऑफ टू मी सर। बस मैं आने वाले लोगों के लिए एक चेंज लाना चाहता हूँ, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू सर। बस दोनों स्टार्स हैं, दोनों स्टार्स को अभी देखना, मैं इतना यूट्यूब पे चढ़ाऊंगा, इनसे मैंने काम पे काम करवाना है, इनसे मैंने वीडियोस पे वीडियोस बनानी है, और यूथ सीखेगी इनकी इरिस्पेक्टिव किस ज्योग्राफिकल प्रेजेंस से उनका ताल्लुक है, और मकसद ही यही था। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम, अल्लाह हाफिज़। 2021 में दोनों के, बाय द एंड ऑफ 21 दोनों के सिल्वर बटन आने चाहिए, नहीं तो मैं इनकी सिल्वर सफारी निकालूंगा। तो इतना टाइम है लाया तो दोनों लाल, फिर भी ना कुछ आया नहीं। मेरा टारगेट है 100,000 का इस दफा, 2021 का 100,000 का टारगेट है इंशाल्लाह। सिल्वर बटन 100,000 पे आता है ना, 100,000 पे आता है भाई, सीख लेंगे ना हम भी। हां नहीं कोई बात नहीं, कोई बात, वो जो पीछे पड़ा हुआ वो जबरदस्त इधर पड़ा होगा, इधर इंशाल्लाह बोलो आएगा, क्यों नहीं आएगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरी और जोर लगाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अभी कौन है अली भाई हमारे साथ स्क्रीन में? माइक म्यूट करे ना तुसी भाई अपना। हुसैन है हमारे साथ। अब्दुल रहमान कह रहा है इतनी लंबी ना करें, बिकॉज यू कांट एक्ट लाइक सारे शाम, सारे शाम एक सवाल पूछते और किक कर देते। ओ अल्लाह के बंदे, पीछे दरवाजे में चौंकड़ों सौंकड़ों क्रंकड़ों दूर लाइन बनी हुई है, मैं तो टू द पॉइंट ही बात करनी है, सवाल कर चलता फिरता नजर आ, मेरा तो मोटो ही यही है, वरना अगर एक बंदे के साथ में जितना तुसी की तरह लंबी ना लगा। अली भाई स्ट्रीम का लिंक दोबारा दें। अच्छा अभी कौन है हमारे साथ, कौन सवाल करना चाह रहे हैं? ये कौन है? जी मैं हिसाम सर से सवाल करना चाहता हूँ सर, सीखना सीखो का इवेंट कब स्टार्ट होगा? मैंने डालना ही आप पे था, मैं पहले ही आप पे डालने लगा था। पता क्यों? ये जो चल रहा है ये सीखना सीखो ही तो है मेरे भाई। जी सर, हिशाम भाई ने यही तो किया है, हिशाम भाई ने यही तो किया है, इन्होंने कहा भाई हम अब एक दिन का जो बातें हैं वो करेंगे, लेकिन ये जो हफ्ते हफ्ते के काम मुझे और अली भाई को लगाए, इन्होंने कहा ये सीखना सीखो तैयार हो जाओ बस सिखाओ बच्चों को। नहीं इसका सही जवाब मैं दे देता हूँ। देखो अभी चुके इन दोनों की ट्रेनिंग अगले हफ्ते जा रही है ना, तो अगले हफ्ते मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, तो उसके बाद बस पे सीखना सीखो का फुल वीक इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे सारे सितारे आपके सामने लेके आएंगे। एक्चुअली मुझे पता क्यों डिले कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक नलैक की वजह से डिले कर रहा हूँ, वो नलैक मेरे काबू नहीं आ रहा, वो है रॉबर्ट कायोसाकी, रिच डैड पुअर डैड का जो ऑथर है। आजकल उसने मुझे कहा कल, पहले दिन ही
सुबह सुबह सीखना सीखो स्टार्ट हो जाएगा इवेंट, क्योंकि मैं उसकी पार्टिसिपेशन चाहता हूँ इस पूरे इवेंट में रॉबर्ट की ना, तो बस इतनी सी बात है, वो जिस वक्त मान जाए तो ठीक है, अगर अगले हफ्ते नहीं मानता तो नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहता कि हार्ड में जाए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम स्टार्ट कर देंगे बस ये है इस वजह से। और दूसरा इनकी ट्रेनिंग मैं चाह रहा था हो जाए, क्योंकि ये देखो ना बहुत सारे बच्चों ने सीखा, बहुत सारे बच्चे इनसे आगे सीखेंगे। मेरी कोशिश ये है, मैंने बताया ना कल मैंने एक स्ट्रीम में बोला था, मैंने तीन और लोग आइडेंटिफाई किए, खाली ये दो नहीं है दोस्त, तीन और हैं और वो अनसंग हीरोज हैं। मेरी कोशिश है कि सरफेस अप करूं यूट्यूब पे सारे वो ट्रेनर्स जो अच्छे हैं अपनी फील्ड में, और फिर एक पूरा हम एक सॉर्ट ऑफ लाइक अम्ब्रेला बना देंगे, उस अम्ब्रेला का हम बाबू बनाएंगे तूसी साहब को, तो वो फिर एक सॉर्ट ऑफ लाइक यूनिवर्सिटी इन इटसेल्फ चल जाएगी, पूरी की पूरी वर्चुअल यूनिवर्सिटी बन जाएगी ऐसे समझो, कि जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात हो रही होगी, लिनक्स पाइथन कुबरनेटेस लीन ग्रीनवे, सो मैं एक पूरा हब, यू नो एक कोशिश कर रहा हूँ सीखना सीखो का पूरा हब बना दो, बस ये कोशिश है मेरी। और ये इंडिविजुअल चैंपियंस हैं, ये इंडिविजुअल इनके प्रोफाइल्स भी बिल्ड हो जाएं, ये इंडिविजुअल सारे बन जाएंगे, कोई सितारा कोई फिल्म एक्टर ऑटोमेटिकली खुद थोड़ी ना फिल्म एक्टर बन जाता है जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलती, तो बस ये ब्रेक वाला काम मैं कर रहा हूँ इधर। जी सर, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये इंग्लिश का चलाया, मुझे इंग्लिश बहुत सीखने की जरूरत थी, इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने इंग्लिश का, आज मैंने बहुत सारा बहुत सब सीखा है आपकी ये वीडियो देख देख के, और इंशाल्लाह कल भी मैं एक वीडियो बना के डालूंगा इंशाल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी गुड जनाब, वेरी गुड, थैंक यू। और आपसे मैंने फ्रीलांसिंग भी सीखी, फ्रीलांसिंग भी मेरी स्किल सेट कोई नहीं था, मगर अब मैंने क्विक बुक का इंशाल्लाह और प्रोग्रामिंग का लेने इसका सीखा है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, कोई स्किल सेट नहीं थी मेरी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ये साहब को मौका दें जी, फ्रीज हो गए मेरे ख्याल में ये अजहर भाई, ऐसे पोज बड़ा प्यारा बनाया इन्होंने, फ्रीज हो गए मोबाइल पे ना, मोबाइल पे है बाबर भाई, पोज बड़ा प्यारा सोना बनया, इसको पता क्या आप वो करें ना फुल पे देख के फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको भेज दें, कहे जी ये फुल फोटोग्राफ आपकी बन गई है बेहतरीन किस्म की, वो खुल गए वापस आगे। हाँ, उनका वो मेरे हाथ से इंटरनेट का शायद कुछ है, फ्रीज हो गए ना, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज आ रही है, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। जी अजय साहब, नहीं है नेट स्लो है, निकाल लें और वापस आ जाएंगे, इनको मैसेज दे देंगे दोबारा है, नेट स्लो है ना, आपकी आवाज कट के आ रही है, आप बोले छोड़ दिया उन्होंने, और फिर चिरागों में रोशनी ना रही। तो उसने कहा ये दुनिया ही फर्क है, फिर एक और लड़का है, मैं उस लड़के का नाम भूल रहा हूँ, दाढ़ी वाला है, उसका भी 1 मिलियन हुआ चैनल, बड़ा बड़ा नूरानी सा चेहरा बच्चे का, उसने मुझे बहुत मदद की शुरू में टैग्स वगैरह सेट करने में और सब कुछ करने में, तो इट इज अ नेम ऑफ कंटिन्यूटी, इट्स नॉट लाइक आपने आज एक वीडियो बनाई एंड देन यू लीव इट, देयर इज अ गाय कॉल्ड नेम्ड, देयर इज अ गाय नेम्ड साद हामिद, अच्छा ही इज एब्सोल्युटली एज फार एज आई एम कंसर्न्ड All over the place. Optimistic किस्म का बच्चा है वो। हाँ मिला हूँ उससे। YouTube पे आप please आ जाएं। आप मेरा interview ले लें। मैं अब ये कर लें, वो कर लें और Google से। मैंने कहा ये जब तक तू consistent नहीं ना होगा, तब तक तूने अपना channel नहीं चलाना। और to my surprise,
कि वो फिर छोड़ गया। महीने में एक वीडियो बनाना लोग इंतजार कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूं कि घर के बाहर आप दीवार पे जब वो रखते हैं ना प्याला जिसपे चिड़िया आके बाजरा लेती है, अगर आप उस पर दाना छोड़ दें तो चिड़िया नहीं आएंगी आपके घर पे, क्योंकि उनको वहां पे दाना नहीं मिल रहा, कॉन्टेंट नहीं मिल रहा। तो भाई से सवाल पूछे जी। अजीम वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बैचलर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं इधर इस्लामाबाद में ही होता हूँ, मॉडल टाउन फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ मैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, ये मैंने अभी लीन सिग्मा किया है, तो ये आगे मुझे किस तरह हेल्प करेगा आगे मेरे फ्यूचर में, जो मेरी पूरे जो करियर करियर पाथ। आप किस चीज़ के स्टूडेंट हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किस तरह करेगा हेल्प? आपको क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, अगर आप कोई चीज़ बना रहे होंगे तो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट आएगी आपके। आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे आप, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में तो जाएंगे नहीं। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजेक्शनल प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो लीन सिक्स सिग्मा तो ऑटोमेटिकली आप इम्प्रूवमेंट के लिए, सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, एनालिटिकल माइंडसेट भी आ जाएगा आपके, डिजाइनिंग में भी आ जाएगा। आपको ये भी पता हो जाएगा कि यार जो डिज़ाइन करने मैंने कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बनाना है तो शायद आप बेहतरी ज़्यादा लेके आ सकेंगे। तो ये एक ऐसा स्किल सेट है जो कि जनरली उसको अप्रिशिएट किया जाता है, ख़ासतौर पर इंजीनियरिंग की दुनिया में। बाकी दुनिया में तो अगर हम बात करें, वेस्ट में तो बात करें तो वो तो आपके हर तरह की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है वेस्ट में, यहाँ पे टाइम लग रहा है, मगर आपके इंजीनियरिंग में, आपके प्रोडक्शन में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, आपके टेलको में बहुत इस्तेमाल होता है। सर माशाल्लाह सेशन भी बड़े अच्छे रहे, काफी अच्छी समझ भी आई है। वैसे आज से पहले किसी से सुना तो नहीं था इसका नाम, माशाल्लाह श्याम सर का सेशन देखा था, फिर उससे पता लगा है और काफी माइंड भी क्लियर हुआ है इन चीजों में। सर बहुत शुक्रिया सर आप सबका। ठीक है, आज आप तो पहली दफा आए हैं, आपको फिर डे वन, डे टू और डे थ्री भी देखना पड़ेगा, ये सर डे फोर है। सर मैंने देखे हैं सर। अच्छा देखे हैं, चलें ठीक है। जी उस्मान। उस्मान आपका कोई सवाल? हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही, हमें आवाज समझ नहीं आ रही है भाई। उस्मान को या तो आवाज नहीं आ रही या उसका नेट का प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा उसको। कोई और है तो ऐड कर लें, वरना नहीं कोई और नहीं है, और कोई नहीं है। बस ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है कि हम इंतजार में रहे, बस बात हो गई, लोगों को चांस मिला था, उन्होंने आके पूछ लिया, दैट्स अबाउट इट। अब हम अब थोड़ी सी गपशप मारते हैं और इसको नारा इश्क का मार के खत्म करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो और की गरम जी, आप मेहरबानी आप लोगों की, आप लोगों ने हमें एक्स्ट्रा भी देखा और हमारे साथ रहे हैं, कल इसी टाइम पे कल इसी टाइम पे 9:30 स्टूडेंट कह रहा चिरागों में दे रहा हो गया।
जागते रहो। अच्छा अभी आप दोनों से मेरा सवाल ये है, स्टार्टिंग विद बाबर साहब, कल है जी बाबरकत दिन, जुम्मा, जुम्मे वाले दिन आप क्या करने जा रहे हैं, इनको क्या? कल जनाबे अली मैं डॉकर के हवाले से बात करूंगा। डॉकर आपने आज स्टार्ट कर दिया ना, तो कल नहीं, कल मैं डॉकर के ऊपर ज्यादा बात करूंगा, कल उसकी बेसिक्स के अलावा उसका थोड़ा सा एक्सपर्टिस लेवल पे लेके जाऊंगा, और उसके बाद जो है मेरा इरादा है कि क्यूबरनेटिस पे हम नेक्स्ट वीक में बात करें और डॉकर पे बात करें। हां मेरा फेवरेट टॉपिक, और नेक्स्ट वीक में किसी एक टाइम जो ना रस्पबेरी पाई की भी डिस्कशन होनी चाहिए, रस्पबेरी पाई भी, गेट लैब भी डिस्कस करेंगे, डॉकर भी डिस्कस करेंगे, सीआईसीडी पाइपलाइन बनाने को डिस्कस करेंगे। Nice. ये जो इम्पोर्टेंट काम है, बड़े काम है, ये सारे इंशाल्लाह होंगे नेक्स्ट वीक। ठीक है, तुसी भाई आपका कल क्या एजेंडा है? मैं तो रिवाइज कराऊंगा पूरे का पूरा। चलो जी, जिसने चार दिन नहीं पढ़ा वो एक दिन में पढ़ सकता है? नहीं, जिसने चार दिन में पढ़ लिया वो एक दिन में और पढ़ लेगा, वो एक दिन में रिवाइज कर सकता है, रिफ्रेश कर लेगा अपना सारा कंटेंट। ठीक है, रिवाइज सारा तो नहीं करूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, और आपने अपने नेक्स्ट वीक के बारे में क्या सोचा है, क्या करना चाहते हैं आप? प्रीमियर चलाएंगे नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक देखते हैं यार, ग्रीन बेल्ट की तरफ आप देखते हैं कि ग्रीन बेल्ट की तरफ किस तरीके से लेके जाया जा सकता है इन लोगों को। अभी तो पहले ये अपना येलो बेल्ट वाला एग्जाम दे दें, उसके बाद उनको ग्रीन बेल्ट की तरफ भी ले जाते हैं। और इसके अलावा मैंने सोचा हुआ है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे उसने बात किया है डिप्लॉयमेंट के लिए, सिक्स सिग्मा को मैं कैसे डिप्लॉय कर सकता हूं, कोई इस किस्म की वीडियो बनाई जाए। यस यस, मैं ये कह रहा हूं कि ग्रीन से पहले बेहतर नहीं है कि अभी येलो के साथ जो है वो लीन की बात हो जाए पूरा वीक, वो ज्यादा बेहतर नहीं है? वो भी कर सकते हैं, इनका और जनता का पोल ले लेना। मैंने जायल की बात की है, हाँ वो मुझे पता है जायल की बात हुई, जनता का पोल ले लें जनता क्या कहती है, क्योंकि ग्रीन अगर आप एक यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्टेड हैं तो आप वो कैसे उसका लाए अमल निकालेंगे, कैसे इनको पढ़ाएंगे यूट्यूब पे फिर? ये वाकई एक ये सोचना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बेस्ट के वुड इट इवन बी राइट पॉसिबल, या आधी कहानी सुना के आधा छोड़ दें। लीन पे बात करके बात ये है कि पता नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा इसलिए मैं एकदम से इस पे इसका जवाब मैं एक सजेशन दूं। मेरी सजेशन ये है कि इनका जो फर्स्ट बेल्ट वाला है ना, अभी आप ग्रीन से अभी येलो करवा रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि जितने लोग हैं ना वो येलो पास करें, तो उससे क्या होगा, इनकी बेस सही करें। मतलब ये है कि अगर पहले इम्तिहान होता है उसमें 10 लोग पास करते हैं तो वो रिजल्ट ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से 100 लोगों को पास करना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही हो कि क्या पता यही ट्रेनिंग दोबारा कर लें ग्रीन की, ये येलो की। हाँ, क्योंकि मैं ज्यादा तौर पे समझता हूँ कि बेसिक्स को जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे ना, आपने बड़ी अच्छी चंपे करने की क्या जरूरत। हाँ, लेकिन एग्जाम पास करना आपका एग्जाम है ना, आप उसके बगैर नहीं कर सकते, तो आप जब तक एग्जाम क्लियर नहीं करवाएंगे इनको अच्छे तरीके से, मेरा ख्याल है कि चैलेंज बस वो सोच लें जैसे आपको बेहतर लगता है, तो वो फिर कल का दिन तो है ना, एकदम से तो मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू जंप ऑन टू आज, हां सोचूंगा कल का दिन है आपके पास, बताएं उनको, दिल करे आपका यूट्यूब है आपकी मर्जी, जो दिल करे लाइव आके 10 देना। मैंने आने से पहले एक वीडियो बनाई है 5S की बनाई है आईटी में। अच्छा, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, 5S की बनाई है वीडियो। वेरी नाइस। अभी ये सही हो गया ना, मुझे ईमेल आई थी कि आपने उस चीज का जिक्र किया था, आप मुझे करा देंगे। मैंने कहा जी इसका येलो बेल्ट का स्कोप नहीं है, येलो बेल्ट का उसके साथ स्कोप नहीं बनता, क्योंकि वो एक और चीज है, ये एक और चीज, ये बंदा की तरह जिसने $5 कमाए थे, मुझे वो सामने चाहिए, उस भाई ने क्या ऐसा बेचा कि $5। मलिक असलम, अच्छा मेरा एक सवाल मेरे से बार बार पूछ रहे हैं हमजा, आप बिल्कुल अपना कैरियर बना सकते हैं, डेवऑप्स का ही तो कैरियर है मेरे भाई आजकल, ये जो प्रोग्रामर्स और ये जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका कैरियर अब नहीं रहा, अब कैरियर जो चलेगा अगले
कम से कम हमारी लाइफ में तो चलेगा, ना कहें कैरियर नहीं रहा, कहें कि डिमांड कम होगी, ये ना कहें कैरियर नहीं रहा। नहीं वे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, डिमांड कम होगी है और अभी डिमांड खत्म हो जाएगी क्योंकि डेवऑप्स के स्किल की डिमांड बहुत ज्यादा है। कंपनियों को फायदा नजर आता है ना कि एक बंदा दो काम करता है, वो पैसे भी अच्छे दे देते हैं। मल्टीपल टास्किंग कर रहे हैं, राइट, सही है जी, बेहतरीन। नारा मारे जी, सर जी नारा मारते हैं, नारा मारे पे। चलें जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपको कल बाबर भाई आएंगे 7 बजे के करीब और मैं 9:30 बजे मेरा सेशन स्टार्ट होगा और आपको मुझे मैं इजाजत चाहूंगा और खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।